आइए बढ़ते आगे, तैयार है हमारे साथ दो और खास मेहमान, राजेश पालिया साहब और संदीप वागले साहब, दोनों का करते हैं स्वागत। राजेश जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे अगर कोई है तो। जी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी गोलपाल। हालांकि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर ये स्टॉक अगर 1590-1580 के आसपास ओपन होता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। काफी अगर देखें तो FMCG पैक में काफी स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो गोलपाल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 1580-1590 की रेंज में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1560 का। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक को पिछले दिनों में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में वापस से पुल बैक एक्शन आते हुए दिख सकती है अगर गैप डाउन होता है तो। और हायर साइड का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1630 से 1640 तक के। तो 1590 के आसपास बाय करेंगे 1560 का स्टॉप लॉस और 1630-1640 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए गोलपाल बाय करने की सलाह है। कोलगेट पामोलिव, ये है वो स्टॉक जो बंसल जी को भी पसंद आया, राजेश जी को भी पसंद आया, 1604-5 में बंद हुआ है और उनका कहना है कि 1580-1590 की रेंज में अगर नीचे खुलकर मिल जाए आज तो मौका छोड़िएगा मत। आइए वागले साहब से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा कंडीशनल बाय है पेट्रोनेट में, कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दिया है, अच्छा पैटर्न है, मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में अच्छी मूव देनी चाहिए, लेकिन आज अगर नीचे खुलता है तो मैं कल का हाई ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा, नीचे जितना जाता है जाने दो, और जब ये ब्रेक होगा तब एक अच्छी मूव की शुरुआत मानी जाएगी। 224 का बंद है, अगर 220-22 खुलता है मैं वेट कर सजेस्ट करूंगा 225 के ऊपर ही बाय करें 222 के स्टॉप लॉस के साथ। 237 का मेरा टारगेट है जो एक से दो दिनों में आ सकता है। ओके, 225 के ऊपर ही खरीदें, नीचे रहे तब तक ना, ये है आपके लिए राय। आइए सेठी साहब ने वैसे तो आपको बताया रुचि सोया और बिरला सॉफ्ट, सेठी साहब इसके अलावा और कोई स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर है आज के लिए? आप बिल्कुल अनिल जी, दो और स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा कैश मार्केट के स्टॉक्स बताए जी। अनिल जी जो दोनों स्टॉक है, अभी थोड़ी देर पहले वरिंदर रिजल्ट एक्सरे, उसमें वरिंदर जी को जो नतीजे पसंद आए वही स्टॉक मेरे भी रेडार पे है या उनमें खरीदारी करने की सलाह है। जो पहला स्टॉक है वो है TNPL तमिलनाडु न्यूज प्रिंट लिमिटेड। कल जो नतीजे आए बहुत ही दमदार नतीजे, पिछले साल के 7 करोड़ के नुकसान के सामने 23 करोड़ का कुछ इस क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और पेपर स्टॉक्स वैसे भी लाइमलाइट में है, मैंने हाल ही में जेके पेपर 302 के लेवल पे रिकमेंड किया, वो ऊपर में 350 तक चला गया बहुत ही जल्दी, मतलब दिन दो दिन में ही। और वैसे ही सेसासाई पेपर आंध्रा पेपर ने भी अच्छा किया, तो मुझे लगता है ये सेक्टर पूरा फोकस में है और इस तोड़फोड़ नतीजों के बाद आज इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। मेरा टारगेट है 230 का, स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी रिजल्ट वाला स्टॉक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो वरिंदर जी ने भी रिकमेंड किया, बहुत अच्छे नतीजे हैं। सीमेंट सेक्टर भी कल फैगेंड में अच्छी बाइंग में था, रडार में था, आज हालांकि बाजार खराब खुल रहे तो थोड़ा नीचे खुल सकता है, अच्छा है अगर नीचे मिले तो, बट नतीजे बहुत ही अच्छे हैं और स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी करें 410 के टारगेट के लिए। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट तो वरुण आपकी ट्रेडर्स डायरी में भी था, कैश का स्टॉक, पहला स्टॉक, वाह क्या बात है। तो देखते हैं आज इस स्टॉक में कैसा एक्शन दिखता है, इस स्टॉक का क्यों पूरे मार्केट का भी तो एक्शन देखना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की। कमजोर शुरुआत के साथ हो जाइए बाजारों की ओपनिंग के लिए तैयार और उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 साल में सबसे खराब दिन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, उसके बाद आज सुबह भी थोड़े कट से, अच्छी बात है कि सुबह के लेवल से तो बाजार रिकवर हुए हैं, बट फिर भी अगर आप देखें तो 300 पॉइंट्स की कमजोरी, एसजेएक्स निफ्टी पर अब 250 पॉइंट्स की हो गई, तो थोड़ी और रिकवरी है, अच्छी बात है सर। 15900 के नीचे गए थे, तनाव कम हुआ कुछ, 100 पॉइंट रिकवर हुए, तनाव 16000 कम से कम, मतलब इतने गुड हो गए। हम गुड तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इतनी बैठ नहीं है। एक्चुअली दीप सबसे बढ़िया चीज यही हुई पिछले दो दिनों में, कितनी तेजी हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि 15740 बच रहा है आपका, है ना, तो आप नए लोज नहीं बना रहे हैं इतने बड़े फॉल के बावजूद। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा 2-3 बार ऐसा हो गया कि अमेरिकी बाजार हजार हजार पॉइंट से ज्यादा गिरते हैं और उस दिन हम बच जाते हैं रेंज को नीचे तोड़ने से। तो ये ठीक है, कम से कम आप कल सही लेवल पर बंद हुए कि आपके लिए बच गए। तो आइए देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन रहता है पूरे दिन भर और खुलने के बाद कैसे क्या हम 16000 को होल्ड कर पाते हैं। मेक और ब्रेक तो वही लेवल है, तब तक आइए बड़ी बड़ी खबरें एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे बुरे
या जो काम के रिजल्ट है वो फिर से देख लीजिए। वरुण तैयार है हमारे साथ सब कुछ बताने के लिए। वरुण बोली। ओके अनिल जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आईटीसी कंपनी के जो सिगरेट वॉल्यूम से 9% के आसपास निकल के आए, जबकि 5-8% के आसपास का अनुमान था। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे हैं 33.4% के आसपास, जबकि यहाँ बढ़ोतरी का अनुमान था। रेवेन्यू 17% बढ़े हैं, मुनाफे में करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 6.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। एलआईसी हाउसिंग अच्छे नतीजे हैं, एनआईएम में करीब करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 1118 करोड़ रुपए आया है, एनपीएस में सुधार हुआ है और डिविडेंड जो है 8.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है। पिडिलाइट नतीजे कमजोर है, रेवेन्यूज 12% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 20.6% से गिर के 16% पे आए हैं। मुनाफे में 17% के आसपास की गिरावट है, 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। लुपिन अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज में 2.6% बढ़े हैं, मार्जिन 19% से गिर के सीधे 6.9% और कंपनी ने 518 करोड़ का नुकसान किया है, 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। अब खबरों में एंड्योरेंस टेक में नजर रखिएगा, क्योंकि मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम में 100% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं 308 करोड़ में। इस साल 51% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, बाकी हिस्सेदारी जो है वो 5 सालों में खरीदेंगे ये। और सबसे आखिरी में बिरला सॉफ्ट पे नजर रखेगा, 23 मई को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे ये कंपनी विचार करने वाली है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें, एंड ऑफकोर्स बिरला सॉफ्ट यहां पर तो आपको रखनी ही है नजर, एक्सपर्ट्स के भी रेडार में है, ट्रेडर्स डायरी में भी ये स्टॉक रेकमेंड किया गया था। आइए और कहां पर आएगा नतीजों का रिएक्शन ये भी एक बार देख लेते हैं। आईटीसी सेठी साहब, कैसे लगे आपको नतीजे? सर देखिए दीपांशु, नतीजे मिले जुले हैं या बाजार की उम्मीदों के अनुसार ही है। कोई फ्रंट पे अच्छा किया है तो कोई फ्रंट पे थोड़े निराश भी किया है। बाकी स्टॉक में स्ट्रेंथ है और पिछले कुछ दिनों में या पिछले महीने दो महीने में जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, इसी स्टॉक ने सिर्फ बाजार को मेरे नजर में आउट परफॉर्म किया है, तो एक अच्छी तेजी हो चुकी है। तो आज स्टॉक बहुत ज्यादा वीकनेस तो नहीं लगती बट बहुत चलेगा ऐसा भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ उनको बने रहना चाहिए, आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, बट हाल फिलहाल जस्ट इस लेवल पे होल्ड करें, कोई गिरावट आती है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढें। तो ये है आपके लिए आईटीसी, चार्ट्स पर भी एक राय लेंगे। इससे पहले एक बार प्री ओपन रेट्स आने दीजिए हमारी स्क्रीन पर। 3.5% नीचे 600 पॉइंट का कट निफ्टी पर, 1800 पॉइंट का कट आपको सेंसेक्स पर आते हुए दिख रहा है। देखते हैं, सेटल होने दीजिए इनको, इन लेवल्स पर तो नहीं खुलेंगे, जिस तरह से एसजेएक्स की भी थोड़ी रिकवरी हुई है, बट ऑफ कोर्स कमजोरी के साथ खुलने की तो गारंटी है ही इस बाजार में। कमोडिटी बाजार पर भी एक बार डाल दीजिए नजर, क्योंकि वहां पर भी एक्शन खुलते हुए दिख रहा है और यहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल पर 1.25% ऊपर है और नेचुरल गैस 0.25% नीचे है। कच्चा तेल ऊपर है, गैस नीचे है, ये रखनी है आपको नजर। ऑफ कोर्स ग्लोबली भी हमने कच्चे तेल पर कल की भारी गिरावट के बाद एक रिबाउंड देखा, तो कल के लेवल से मुकाबले 200 रुपए नीचे ही आपको कच्चे तेल दिखेंगे, बट आज सुबह 1.25% ऊपर है। सोना 50,000 के ऊपर आ गया है, लेवल्स होल्ड करने की अब कोशिश कर रहा है, हल्की फुल्की खरीदारी आपको सोने पे दिखेगी। सिल्वर पर अभी भी सुस्ती बनी हुई है 60,700 के लेवल पर। बेस मेटल्स 2 दिनों की गिरावट के बाद आज रिबाउंड अटेम्प्ट करते हुए दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक और कॉपर, चारों में आपको खरीदारी दिखेगी। आइए देख लेते हैं ट्रेडर्स डायरी की जो रिकमेंडेशन दी है वरुण और आशीष ने क्या कह रहे हैं। कैश का स्टॉक है मिडिल ईस्ट में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन आरबीएल बैंक और कनरा बैंक में लेनी है शॉर्ट पोजीशन। सीजी कंज्यूमर 350 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे और नतीजे आए कमजोर मनप्पुरम के, यहां पर क्वालिफाई कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से खरीदनी है एमएनसी फार्मा कंपनी एबिट इंडिया। पीपीसीएल में खबरों का असर देखने को मिलेगा, ओबेरॉय रियल्टी में आएगी गिरावट, कैनफिन होम्स में आएगी गिरावट और गोदरेज प्रॉपर्टीज 1315 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। खबरों के लिहाज से देखिए बीपीसीएल यहां पर शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, टेक्निकल्स भी कमजोर है, 320 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। कैश का काउंटर है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, नतीजों के चलते यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप, लेकिन फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में करनी है बिकवाली। ऑप्शंस में विप्रो का 480 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 9 रुपए के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। टेक्निकली एचपीसीएल काफी वीक लग रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रेशर रह सकता है। फंडामेंटली मेट्रोपोलिस जो है वहां पे वीकनेस दिखाई दे रही है, 1650 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। आईपीएल स्टॉक डाबर है, 6 से 8 महीनों में 600 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करना है, क्योंकि बायबैक पे बोर्ड विचार करने वाला है 23 मई को, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस भी काफी स्ट्रिक्ट रखिएगा। माय चॉइस में पिडिलाइट, इंफोसिस और डीएलएफ में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है विप्रो, 480 का जो पुट ऑप्शन है वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 9 रुपए के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, 5 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ
दमदार रिकमेंडेशंस यहाँ पर रखनी है नजर, और ऑफ कोर्स आज के बाजार में स्पेशली जो बाय कॉल्स हैं उसके लिए आप ध्यान रखें, एक बार बाजार को खुलने दें, सेटल होने दें और फिर ही इस पर अपना व्यू बनाएं। खराब बात यह है सारे के सारे निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में ही दिख रहे हैं। देखते हैं ओपनिंग पर के लिए रेट्स जब थोड़ी देर में सेटल होंगे तब क्या रुझान दिखेगा आपको। पर आईटीसी की हम बात कर रहे थे बंसल जी, चार्ट्स पर आईटीसी। देखिए दीपांशु, चार्ट पे देखें तो आईटीसी तो ऑलरेडी एक अच्छा अपमूव दिखा चुका है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो अब यहाँ पर कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ दीपांशु, 263 का लेवल एक अहम लेवल है, अगर 263 के लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ पर दिक्कत है, एज टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर नतीजों के बाद सेल ऑफ होना है तो 263 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो जिनके पास भी लॉन्ग है, निकलने की राय है, जिनको भी फ्रेश खरीदना है 263 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए, और टेक्निकली नेक्स्ट हर्डल जो है वो 272 से लेकर 275 के जोन में आती है। तो अगर 263 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तो 272 से लेकर 275 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए आईटीसी, देखते हैं कैसा रिएक्शन आज आता है, बाजार तो कमजोरी वाला है ही। आईजीएल इस पर भी एक बार राय ले ली जाए, वागले साहब कैसे लग रही है हम आईजीएल की चार्ट, हालांकि आज तो बाजार कमजोर है बट पिछले कुछ दिनों से आईजीएल गुजरात गैस में स्ट्रेंथ दिखी थी। दीपांशु पिछले 3 से 4 दिनों में इसमें 40-50 रुपए की मूव आई है आईजीएल में, और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के साथ ये नीचे खुल सकता है, लेकिन चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है। मेरा मानना है आईजीएल 400 के ऊपर जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में, और ऑन द डाउन साइड अगर 366 ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड अभी भी बरकरार है, आज ये माहौल में एक 3-4-5 रुपए नीचे खुल सकता है, 4-5 रुपए नीचे खुल सकता है। नीचे खुलने वाला है मन्नापुरम फाइनेंस, क्योंकि यहां पर नतीजे काफी कमजोर आते हुए दिखे थे, अनुमान से भी खराब, हालांकि कल थोड़ा पॉजिटिव एक्शन दिखा था। पालवे साहब, मन्नापुरम फाइनेंस के चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु जी देखिए तो स्ट्रक्चर स्टॉक का वीक है, पुलबैक जरूर बना था स्टॉक में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, बट अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 110 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, स्टॉक एक सप्लाई जोन यहाँ पे फेस करते हुए दिखेगा। हमें लगता है अगर आज के अपडाउन में अगर ये स्टॉक 100 के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे फिर इसका डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, लोअर साइड पे फिर 94-92 तक के भी लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो 100 के नीचे अगर ओपन होता है तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 92 तक के टारगेट पे। तो 92 तक के टारगेट आ सकते हैं, मन्नापुरम पर नजर रखिएगा। किरण जी, LIC हाउसिंग? देखिए दीप, LIC हाउसिंग पे भी स्ट्रक्चर काफी साइडवेज है, हमने एक बहुत अच्छा बेस 325-330 के आसपास देखा है, उधर से एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला, पर ग्लोबल सेल ऑफ के चलते मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार ये जो अपमूव आई है 330 से 360 तक, इसका रिट्रेसमेंट आ जाना चाहिए, तो ये पुलबैक मुझे लगता है 340 के आसपास के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। ऑन द हायर साइड 365 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर वापस एक बार निकलता है 1-2 दिनों में तो मेरा मानना है कि 378-380 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। कुणाल जी, पिडलाइट के चार्ट्स पर क्या कहेंगे सर, नतीजे तो काफी कमजोर आए हैं इसके, कहां दिखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स? देखिए आपको याद हो दीपांशु, तो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पिडलाइट के बना है जो कि काफी बेरिश होता है, और एक पुलबैक भी आता हुआ कल के ट्रेड में हमने देखा, तो मुझे लगता है आज वापस गिरावट देखने को मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि ये स्टॉक एक बार के लिए 2000 के नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे, तो मेरा स्टांस जो है वो बेरिश है। मुझे लगता है स्टॉक जैसे 2100 के लेवल्स को ब्रेक करेगा आपको इसमें बिकवाली देखने को मिलेगी, अगला सपोर्ट 1950 के आसपास है, एक 2050 पर मामूली सा सपोर्ट है, तो 2050-1950 के लेवल्स पिडिलाइट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए पीडीआई पर आए। सर साहब, एक राय जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर दीजिए, यहाँ पर आज खबरें आ रही कि एक कोई ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बड़ी कंपनी माइत्रा करके है जिसको खरीदने के लिए ये एक्सक्लूसिव करार करने जा रहे हैं, $2 बिलियन की डील है बड़ी, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होगी अगर ये है तो बड़ा एक्विजिशन करने की प्लान है, अभी ऑफिशियली खबरें आना बाकी, मीडिया में है खबरें, बताएं सर क्या व्यू है आपका? ये एटलीस्ट ये जो जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा है उस सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वहां के लिए पॉजिटिव है, जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये खरीद रही है उस कंपनी को। बाकी जेएसडब्ल्यू जो ग्रुप है उसके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, और आज ये स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस खबर के ऊपर हो सकता है थोड़ा वीक दिखे,
बट ओवरऑल स्टॉक अच्छे एक ट्रैक्शन में है, जितने पावर स्टॉक्स हैं, भले ही वो अडानी पावर है या जेएसडब्ल्यू एनर्जी है या टाटा पावर है, मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो अगर अच्छी खासी गिरावट आती है तो वहां पे फिर खरीदारी करने के मौके ढूंढना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी नजर रखेंगे सर, हमारे रेडार पर भी रहा है ये, मुझे याद है 150 से भी नीचे के लेवल से रिकमेंडेड था, डबल से ज्यादा इसने गेन्स दिए और अब ये अपना फुटप्रिंट भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी दिख रही है अगर ये एक्विजिशन को बड़ा एक्विजिशन अगर ये होता है। सही बात है, मतलब लेट्स सी ये खबरें कैसे आती है, लेकिन वही वाली बात है कि जो सेठी साहब कह रहे हैं वो सही है कि जिस स्पेस में एक्विजिशन कर रहे हैं उनकी रीरेटिंग होना पक्की है, कि ग्रीन एनर्जी वालों की डिमांड काफी ज्यादा है। सेटल हो गए लगता, सेटल हो गए सर, अवॉइड कर रहा था पूछना, बट 350 अंक नीचे, 1500 के ऊपर खुल रहे हैं बट 350 उसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे लग रहा है एसजेएक्स के जैसे रिकवर हुआ इतना खराब नहीं होगा, बट तो हमारे हमारे बोलने से थोड़ी देखो हमारे हिसाब से खुलना होता तो हम फिर हम हमेशा हमारे हिसाब से कोई ना कोई ऐसा लेवल देते जो उस दिन के लिए फायदेमंद हो, ये तो जहाँ खुल रहा है ठीक है कोई बात नहीं। 33900 के आसपास, सॉरी 15915 के आसपास खुल रहे थे, तो 15750 की रेंज में आएगा तो वहां खरीदने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। खुलने के बाद 10-15 मिनट देखते हैं कि भाई जो शॉर्ट सेलर है उसको काटने की जल्दी है या लॉन्ग ट्रेडर है उसको स्टॉक या इंडेक्स बेच के निकलने की जल्दी हड़बड़ी है, दोनों में से कौन कमजोर है इसका पता शुरुआत के 15-20 मिनट में चल जाना चाहिए, तो उसके बाद हम देखेंगे कहाँ टॉप बनता है या कहाँ बॉटम बनता है शुरुआत के 15 मिनटों में, उसके बेसिस पे उनका ट्रेड डिसाइड होगा। सो नीचे में 750-800 खरीदारी की रेंज होगी, ऊपर में 16,000-16,075 के आसपास आए तो वहां पोजीशन हल्की करने का मौका आपके लिए बनेगा, सिंपल ये है। बैंक निफ्टी 33,460-33,500 के नीचे खुल रहा है, 33,000-33,300 खरीदारी की रेंज है, तो अगर खुलने के बाद थोड़ा और नीचे मिल जाए 33,000 के जितना नजदीक पकड़ पाए उतना बढ़िया, 33,000-33,150 बढ़िया जगह है, अगर घूम जाए 33,300 तो वहां पर भी सोच सकते हैं माफ कीजिएगा वहां खरीदने का मौका है, और ऊपर में अगर 33,800-34,000 की तरफ पहले बढ़ जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो 33,000 के जितना नजदीक ले पाए वो 33,000-33,150 अच्छी जगह लेने के लिए। तो खुलने के बाद 15-20 मिनट देखें पहले किस तरफ आता है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लें, ठीक है सर। तो एक बार सेटल होने दें, जो अनिल जी कह रहे थे 15-20 मिनट आधा घंटा बाजार को सेटल होने दें, फिर एक नया व्यू बनाएंगे कि निचले स्तरों पर बाइंग आती है या फिर और सेलिंग प्रेशर आपको ओपनिंग पर पड़ते हुए दिखता है। 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में खुलने के लिए तैयार है, ये इस समय का रुझान बाजार में बन रहा है। सेठी साहब, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी आई थिंक आपके रेडार पर भी है ये काउंटर, एक एक्विजिशन कर रहे हैं मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम्स का, 308 करोड़ में ये एक्विजिशन होने वाली, ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के कारोबार में है ये, कैसे देखें सर इस खबर को, वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो एक्चुअली थोड़ा पॉजिटिव खुल रहा है। नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली एक अच्छी खबर है और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये जो ईवी की बैटरी स्पेस में कदम रख रहे हैं, बाकी ऐसे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल क्वालिटी की कंपनी है और इस स्टॉक पे बुलिश रहा हूँ, नेचुरल लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, यहाँ पे भी मुझे लगता है जिन्होंने निवेश किया हुआ उनको तो होल्ड ही करना चाहिए, बाकी बाजार थोड़े अनसर्टेन है तो आज की इस तेजी में खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अगर कोई गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे। तो यह है आपके लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जहां पर तेजी आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है, आज की गिरावट वाले बाजार में अवॉइड करना है इस काउंटर को, यह आपके लिए राय क्लियर है। टाटा मोटर्स ओपनिंग पर टॉप लूजर है, एग्जैक्टली सुमित जी 400 के लेवल पर टाटा मोटर्स खुल रहा है आज ओपनिंग पर, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर दिन के। दीपांशु, एक बार तो पहले मार्केट खुलने पे कहां रुकता है वो देखना होगा, टाटा मोटर्स का वैसे जो सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर वो 390 के आसपास का इंट्राडे का सपोर्ट है और 390 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 375 का और ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा 425 का, तो मेरे को लगता है 390 के आसपास या 390 के थोड़ा सा ऊपर कहीं मिलता है तो टाटा मोटर में फिर वापस से बाइंग आएगी और 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 450 तक के लेवल टाटा मोटर में फिर देखने को मिल सकता है। लुपिन जरा इस पर नजर डालिए, 7.5% के कट के साथ आपको लुपिन खुलते हुए दिख रहा है। सेठी साहब, वैसे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी पर उससे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही कंपनी की और देखिए बाजार भी उसको उसी तरह पनिश कर रहा है, कोई राय इस पर बन रही है, लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है ऑरोबिंदो और लुपिन सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर्स फार्मा स्पेस के। बिल्कुल, ये जो आज नतीजे हैं बहुत ही निराशाजनक नतीजे हैं और उसके तर्ज पे ये स्टॉक इतने गैप से नीचे खुल रहा है, वैसे भी बाजार भी कमजोर है और फिर यहाँ पे अगर नतीजे भी खराब आ जाए तो फिर तो उसकी पिटाई होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे भी कुछ नहीं करना चाहिए, स्टॉक अभी और वीक लग रहा है और वैसे भी विद इन फार्मा स्पेस लुपिन है, अरबिंदो फार्मा जैसे आपने ठीक बताया वो परफॉर्म करते नहीं है,
अगर आपको फार्मा स्पेस में रहना है तो आज मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी के नतीजे अच्छे रहने चाहिए बाजार की उम्मीदों से, तो डॉक्टर रेड्डी कुड बी ए स्टॉक टू कीप ऑन रडार। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज पर रखिए नजर, वो एक्शन में रह सकता है। लुपिन ये तो खैर बड़ी गिरावट के लिए आज तैयार हो रहा है काउंटर, ये राय है सिटी साहब की तरफ से। पालिया साहब, कोई लेवल्स है लुपिन के लिए 7% नीचे खुलने के आसार? तो काफी वीक स्ट्रक्चर है और हमें लगता है कि जिस तरीके से इसमें डाउन मूव कंटिन्यू, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो मेजर आता है वो आता है करीब 600 के आसपास, तो हमें लगता है ये डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 600 के लेवल तक तक ये जा सकता है। अशोक लेलैंड, इस पर एक कॉल ले ली जाए क्योंकि इसके आज आने वाले हैं नतीजे। किरण जी, अशोक लेलैंड कैसा लगता है सर चार्ट पे? दीप, अशोक लेलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास कल ट्रेड कर रहा था और ये रेजिस्टेंस है फॉलिंग ट्रेंड लाइन की जो कि आती है लगभग जनवरी इस साल के, तो ये सारे टॉप्स अगर ज्वाइन करते तो उसकी वैल्यू लगभग 128 के आसपास आती है, 126 के आसपास क्लोजिंग है। अगर 130 के ऊपर चलता है तो ही एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो मुझे लगता है वापस एक बार जो नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे 120, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 115। अगर शॉर्ट पोजीशंस किसी के है तो मेरा मानना है कि 130 के ऊपर के आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस करने हैं तो 130 के ऊपर ही करें। तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर भी राय। अशोक लेलैंड, बॉश, चंबल, कॉनकॉर, गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल और साथ ही रेड्डीज ऑफ कोर्स, इन सभी के नंबर्स आने वाले हैं और ढेरों स्टॉक्स के नतीजों पर आज रिएक्शन भी आने वाले हैं। 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में खुलने के लिए तैयार हैं, एक भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखे। सारे हैवी वेट्स पर प्रेशर है और नतीजों का प्रेशर कुछ और काउंटर्स पर भी है, जैसे कि मनापुरम ऑलमोस्ट 10% के निचले सर्किट पर खुलेगा ये काउंटर, लुपिन जहां पर आप काफी बड़ी कमजोरी देख रहे हैं, पिडलाइट 6% नीचे खुलने के आसार दिखा रहा है और बाकी नतीजों पर भी, अच्छे नतीजों पर भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा और बुरे नतीजों पर तो बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको बाजार आते हुए दिखा रहा है। तो देखते हैं गैप डाउन के बाद, जैसा अनिल जी कह रहे थे पहले 15-20 मिनट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, तो उसी पर रहेगा फोकस, लेट्स सी क्या कुछ होता है, उसके बाद आगे हम एक्शन पर बढ़ेंगे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, प्री ओपनिंग सेशन में देख लेते हैं किस तरह के संकेत आपके लिए आते हैं। 15,900 के आसपास, 15,930-15,940 ये है वो लेवल, 300 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर 0.2% की कमजोरी के साथ 33,500 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 625 अंकों का नुकसान है, खुलने के बाद 15,950 की तरफ आता दिख रहा है, थोड़ी सी कमजोरी कम की है और बैंक निफ्टी भी अब 35,600 के करीब आता हुआ दिख रहा है। 900 अंक नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा तो 300 अंकों की कमजोरी अब निफ्टी में है, 500 अंकों की कमजोरी अब बैंक निफ्टी में, खुलने के बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी 16,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। तो 15,975 के आसपास निफ्टी आपको दिखेगा और बैंक निफ्टी आपको लगभग 33,600 के आसपास और 850 अंक नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा। कमजोर तो सारे होंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी कहां से वो देख लीजिए, ढाई परसेंट, वैसे विप्रो कमजोर है लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक्स की लिस्ट में निफ्टी में है इस वक्त टाटा स्टील 4% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 4% नीचे, तो मेटल शेयरों से गिरावट की लीडरशिप आती दिख रही है और उसके ठीक पीछे आईटी शेयर है, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंफोसिस। तो मेटल और आईटी यानी कि ये दोनों ही स्टॉक, दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल से प्रभावित होते हैं। नैस्डिक में तेज गिरावट से मेटल आईटी शेयरों पर भी थोड़ा दबाव है और मेटल तो कमजोर होते ही होते हैं, तो उस लिहाज से ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर आपको दिखेंगे इस वक्त। बैंक्स में एक्सिस, एसबीआई हल्की फुल्की कमजोरी दिखाते हुए इस वक्त निफ्टी के 50 से 50 शेयर कमजोर है, सिर्फ एकमात्र हमारा आईटीसी है जो सबसे कम कमजोर है, लाल से हरे निशान में आने के लिए सर उठाने की कोशिश कर रहा है, जरूरत है सिर्फ 50 पैसे की क्योंकि 40 पैसा कमजोर है, तो 50 पैसा आ गया। वाह, तो सबसे पहले आईटीसी आपको हरे निशान में लौटता हुआ। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यूपी ने आज का एक्सीडेंट 8% नीचे, मनापुरम आज का दूसरा एक्सीडेंट 8% नीचे, नतीजे पर तेज मार पड़ती हुई, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 5% नीचे, एबी कैपिटल 4% नीचे, कैनफिन होम 4% नीचे, कोफोर्ज में भी नुकसान 4% का नजर आएगा। तो कई सारे मिड कैप ऐसे हैं जो 4-8% तेजी से गिरते लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें से कुछ ट्रेडर्स फेवरेट डीएलएफ जैसा है जो 3.5-4% नीचे है। मिड कैप आईटी शेयरों का बुरा हाल है, इंटेलेक्ट, माइंडट्री, कोफोर्ज, एलटीटीएस, हे भगवान, सबके सब बहुत तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं, 4-4% नीचे खुले हैं। मजबूत क्या है, एक भी स्टॉक हरे निशान में नहीं है एफएनओ में, आईटीसी फ्लैट है, 10 पैसा कमजोर, अदरवाइज सारे लाल में। दीप, अब जा क्या है, अब आईटीसी और इंडस टावर
एलआईसी हाउसिंग दो तीन हमारे बोलने के बाद आए, अपने आप नहीं आए। तो थोड़े थोड़े अब लाल निशान से हरे निशान में दो तीन स्टॉक आए, बाकी सभी का हाल बुरा है। चलिए तो अच्छी बात यह कि शुरुआती टिक पर जहां खुले वहां से हल्की फुल्की रिकवरी दिखा रहे, लेकिन 16,000 के ऊपर अब तक नहीं निकले और 33,650 के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर उठता हुआ दिखा। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है आगे। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी एक्शन तो भरपूर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वहां पर भी काफी कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। दीप बताएं क्या कुछ एक्शन। छोटी लिस्ट है सर, बहुत छोटी लिस्ट है। जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजों पर, रत्नामणि मेटल्स नतीजों पर 4-4.5% ऊपर दोनों दिख रहे हैं। यूनिकम, ग्रीन प्ले और एंड्योरेंस जो ये एक्विजिशन की बात है, बस वहीं पर लिस्ट खत्म हो जाती है, बाकी सारे गिरते हुए दिख रहे हैं आपको। रूट मोबाइल 6.5% फिसला है। रामको सिस्टम 5.5% नीचे। सुब्रमण्यम सिरामिक्स, इस पर आप कमजोरी आते हुए दिख रहे हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग, जीनस पावर, ग्रीव्स कॉटन, सारे के सारे काउंटर्स फिसल रहे हैं। डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये अगेन 4% आज फिसलते हुए आपको दिख रहा है। कैना मेटल, सैस्किन टेक, आईआरबी, इस पर भी कमजोरी आ रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, खबर तो पॉजिटिव है बट इस समय नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, 3.5% ऊपर नीचे। ये भी है सारे गामा, पूनावाला फिनकॉप, एमएसटीसी, क्रेडिट एक्सेस, वॉकहार्ट फार्मा, कल की बड़ी तेजी के बाद आज रिवर्सल इस पर आते हुए दिख रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस लगातार पिटा है ये शेयर, आज भी कमजोरी दिखा रहा है। नतीजों के दम पर जो रिएक्शन है एक बार वहां पर डाल देते हैं नजर। गुजरात पीपावर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, श्याम मेटालिक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही जीआईसी हाउसिंग, यहां पर भी आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। टीएन न्यूज प्रिंट, ये भी एक काउंटर है जहां पर अच्छे नतीजे आए थे बट रिएक्शन अभी नहीं आ रहा है। बट अनिल जी, वीकनेस है यहां पर भी और बहुत ही कम कैश के स्टॉक्स भी हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। कन्विक्शन दिख ही नहीं रहा है इस समय जहां तक ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है, और इसलिए ओपनिंग के बाद के भी हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ खास रिकवरी नहीं आई है। जिन लेवल्स पर ओपनिंग हुई थी वहीं पर आप बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा और फिसला है, 33,400 पर बैंक निफ्टी, 15,900 के जस्ट ऊपर निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस, इस पर रखिएगा नजर, 9.5% नीचे खुला है, वहीं पर है, 10% का सर्किट नहीं लगा है इसमें, बट ओपनिंग लेवल्स पर ही मनप्पुरम, लुपिन जैसे काउंटर्स आपको इस समय दिख रहे हैं। ओके, वीकनेस बनी हुई है सर इन काउंटर्स में, कोई भी ऐसी बड़ी राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एलआईसी हाउसिंग और आईटीसी 0.5% ऊपर है, पूरे वायदा बाजार में सिर्फ दो काउंटर्स ऊपर है, बाकी सारे के सारे डीप कट्स आपको इस समय, और दोनों की अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर आईटीसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हरे निशान में, मतलब इनका तो सम्मान किया जाना चाहिए। आईटीसी का स्पेशली, दोनों का मतलब मुसीबत में एक आम आता है। हाँ, ये चलिए बढ़ते आगे और पहला बिगुल क्लोजिंग शो का, माफ कीजिएगा ओपनिंग शो का, क्लोजिंग मूड तो क्लोजिंग जैसे ही होता है बिल्कुल। किरण जी, किरण का कमाल, किरण का कमाल, किरण जी बताइए क्या बचा है आपके पास बेचने के लिए? अनिल जी सही है, बेच के ही चलना है क्योंकि ऊपर में लॉन्ग ट्रैप्स हो चुके हैं अनिल जी, और जिस जो स्टॉक में लॉन्ग ट्रैप हो चुका है वो डीएलएफ है। पिछले 4 दिनों का जो अपमूव आया था और पिछला जो स्विंग बॉटम था वो तोड़ दिया है, तो इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब हो चुका है। 316.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए और मेरा टारगेट 300 से लेके 295 देखने को मिल जाने चाहिए 1 से 2 दिनों में। ओके, तो 300 और 295 के टारगेट के लिए डीएलएफ पर करें बिकवाली। लंबे समय बाद आई थिंक ये स्टॉक अब 300 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है, तो डीएलएफ में भी आपको राहत नहीं दिखेगी। बजाज फिनसर्व आज का टॉप लूजर है। वागले साहब जरा एक बार बजाज फिनसर्व के चार्ट पर नजर डालें सर, 4% का कट। दीपांशु, एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक किया है 12,500 का, और भी नीचे जा सकता है। अभी कितना नीचे जा सकता है, मेरे हिसाब से ये 11,800 तक भी जा सकता है ये मूवमेंट, तो बाय करने की ये नहीं करनी चाहिए। बाय तो खैर नहीं करना है, गिर रहा है और काफी तेजी से गिर रहा है बजाज फिनसर्व। इस बीच आई थिंक 10% का सर्किट लग चुका है मनप्पुरम फाइनेंस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार फ्यूचर्स पुल अप करते हैं मनप्पुरम फाइनेंस के, 10% के सर्किट पर ये आ गया है, तो 15 मिनट का इंतजार करेंगे और फिर देखेंगे ओपनिंग के बाद क्या होता है। बट आज बहुत कमजोर नतीजों के बाद बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक मनप्पुरम फाइनेंस की बात है इस समय। हिंडाल्को, पालिया साहब जरा इस पर राय दें, अच्छी रैली बनी थी फिर एक शार्प करेक्शन आया, 2 दिनों में मेटल्स के रीबाउंड में इसने लीड किया, आज फिर से फिसल रहा है, क्या राय बनती है सर हिंडाल्को पर?
तो दीपांशु जी देखिए, सारे मेटल स्टॉक्स में एक करेक्टिव मूव होंगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से हिंडालको में जब यहाँ पे 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करके अब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है अगर 420 के लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो लोअर साइड में इसमें 408 405 तक का भी डाउन मूव कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि देखें तो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स अभी भी वीक जोन में है, ये जो पुल बैक आया था उसके बावजूद जो नियर टर्म सेटअप है अभी भी नेगेटिव साइड में, तो 420 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 426 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है, लोअर साइड के टारगेट इसके 408 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हिंडाल्को में, एकमात्र स्टॉक है आज पूरे वायदा कारोबार में एकमात्र जो हरे निशान में, वो है आईटीसी, अभी भी खड़ा हुआ है 1% ऊपर है एकमात्र। कुणाल जी, आज के बाद आईटीसी को कोई कुछ नहीं कहेगा? अनिल जी, आईटीसी को संकट मोचक कहेंगे अनिल जी, कुछ तो कहेंगे ही अनिल जी। अरे वाह, ये शब्द लोगों का काम है कहना अनिल जी। ये बहुत ही बढ़िया, आईटीसी को संकट मोचक माना जाएगा, अकेला स्टॉक है हरे निशान में। चार्ट्स बताइए जरा, 300 रुपए की तरफ बढ़ रहा है क्या अनिल जी? बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया है, 270 का लेवल पार हुआ है जो कि क्रिटिकल स्विंग हाई था, तो मुझे लगता है अनिल जी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है ही बाजार की तुलना में, तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। आईटीसी बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो आज की बात तो अनिल जी है ही, क्योंकि आज डिफेंसिव है, लोग सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी आईटीसी का चार्ट बहुत मजबूत है और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि 300 के ऊपर आईटीसी जाता हुआ दिखे। ओके, तो 300 के ऊपर आईटीसी जाएगा ये पूरी उम्मीद है, और अच्छा है कि इस बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कॉन्फिडेंस इस समय इंस्पायर कर रहे हैं, उनमें से आईटीसी एक ऐसा ही काउंटर आपके लिए बना हुआ है। आज आईटी में बड़ा ब्रेकडाउन आया है, दो दिनों से हम देख रहे थे कि आईटी का अच्छा सहारा मिला था बाजार को, बट आज आईटी स्टॉक्स भी सारे आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं, और टेक महिंद्रा विप्रो इस समय गिरावट को लीड कर रहे हैं। ऑफकोर्स इन्फोसिस भी 3.5% नीचे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली 1500 के नीचे इन्फी का काउंटर आपने आते हुए दिखा है। सुमित जी जरा इन्फोसिस देखें, 1500 के नीचे आया है आज, बाकी आईटी में भी गिरावट है, 1500 के नीचे इन्फोसिस पर क्या राय बनती है? इनफैक्ट 1450 पर आ गया अब तो। बिल्कुल दीपांशु, पूरा का पूरा आईटी पैक वीक है और करेक्शन मोड के अंदर ही है, छोटा मोटा बाउंस बैक भी आता है बट ऊपर पे सस्टेन नहीं करता है। इन्फोसिस का 1475 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 1475 के ऊपर ये रिवर्सल लेगा तब इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जब तक 1475 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, और 1450 के नीचे 1425 1410 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1475 के ऊपर ही इसमें बाइंग आएगी। ओके, तो 1475 है वो लेवल जिसके पार ऊपर निकलकर टिकना है जरूरी इंफोसिस के लिए। बाजार 15900 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है सर, लेकिन 16000 के ऊपर भी जाने की जल्दी नहीं है, तो इस 100 पॉइंट के रेंज में थोड़ा टाइम पास होता दिख रहा है दीप, देखते हैं। आई थिंक वही सब वेट एंड वॉच में ही लगे हैं। एग्जैक्टली कि क्या एग्जैक्टली पहले कौन ब्लिंक करेगा उसका इंतजार आई थिंक कर रहे हैं सर बाजार की। और बैंक निफ्टी भी 33300 का सपोर्ट लिया और ऊपर में 33600-700 के आसपास रुकावट जो है वही होता दिख रहा है। आइए इस बीच जब कुछ नहीं हो रहा तो जो रिजल्ट आने वाले उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए। लुपिन के रिजल्ट आने के बाद डॉक्टर रेड्डीज से भी डर तो लगता ही है, आज नतीजे देने वाला है डॉक्टर रेड्डीज। रिजल्ट्स का अनुमान बताने के लिए कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल, कैसे आएंगे रिजल्ट्स? सर डर थोड़ा संभल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स तो थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। लुपिन जितने खराब तो बहुत ही खराब था, बहुत खराब नंबर आए थे, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके कंपेरिजन में तो काफी खराब नंबर। भरोसा ही नहीं होता कि एक जमाने में ये स्टॉक निफ्टी में हुआ करता था 1500-1600 बढ़कर 5,222 करोड़ पर कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। यूएस सेल्स कंपनी की लगभग 15% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली ये देखना होगा कि की कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो हैं इनके वहां पर किस तरह का रैंपअप देखने को मिला है, साथ ही भारत में इनकी जो रेवेन्यू है वहां पर 35% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली नंबर्स वाइज टॉपलाइन कंपनी की करीबन 10% बढ़ेगी। कामकाजी मुनाफा लगभग 6% की ग्रोथ के साथ 1,114 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो स्टेबिलिटी दिखा सकती है, 22.1% से घटकर 21.3%, तो लगभग 70-80 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हम मार्जिन्स पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लार्जली मार्जिन्स स्टेबल रहने का अनुमान है और मुनाफे के लिहाज से तो 11.5% की ग्रोथ के साथ 617 करोड़ पर कंपनी अपना प्रॉफिट घोषित कर सकती है।
ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे का पूर्वानुमान। स्टॉक कौन से 1% कमजोर है जो ज्यादा नहीं माना जाएगा इस तरह के बाजार में, ठीक है, इतना तो बनता है। चार्ट्स किसी का इंटरेस्ट है फार्मा स्टॉक्स के चार्ट्स देखने में? नहीं नहीं, ऑप्शन दे देना, ठीक है। देखो सब वैसे भी फ्री बैठे हैं, एक बार दिखा दिए कौन बिजी है ऐसा, मतलब कोई आप में से कोई बहुत बिजी हो तो मुझे बताए। बंसल जी बिजी है आप? बागले साहब तो ब्रेकफास्ट करने में बिजी है, आप किस में बिजी है? ओके, मतलब आप बिजी नहीं है, मतलब आप बिजी हैं कि नहीं है, मतलब हाथ खड़े करने का मतलब क्या समझी? मान लीजिए हाथ खड़ा करने का मतलब मान लीजिए सीधा यही है कि जिसमें कुछ फर्दर सवाल जवाब ना हो कि मैं उत्तर देने के लिए अनिल रेडी हूं। ओके, बताइए डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स। अनिल जी डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखें तो नीचे में इसका एक बड़ा अहम सपोर्ट है 3858-3857 के स्तरों पर, और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी इन लोग को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जिन्होंने लेके फंसे हुए हैं वो 3857 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, ये लेवल्स ट्रिगर हो तब निकलने की राय होगी, कुछ फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है अनिल जी, तो एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर जो लोग ऑलरेडी लेके फंसे हुए हैं। ओके, तो फिलहाल ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई डॉक्टर रेड्डी से, इंतजार कर ले नतीजे का और उसके बाद ही जो कुछ करना है करना ठीक रहेगा। आइए जैन साहब जुड़ चुके हैं क्या, जरा चेक करिए। ओह क्या बात है, समय से पहले जैन साहब, बिफोर टाइम चल रहे, तो चलिए बिगुल जैन साहब के लिए, जैन साहब के जेम्स का। गुड मॉर्निंग जैन साहब, कल हमने आपको सुबह मिस किया, दोपहर में आपने एक बेहतरीन पिक दे दी और अब आपका स्वागत है, बताएं सर आज के लिए जेम्स। बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग अनिल जी, गुड तो नहीं बोलूंगा एक्चुअली, मैं बहुत खराब है, बट एनीवेज केना मेटल इंडिया जो स्टॉक सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इस स्टॉक को ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार जेम्स में दिया, मैंने 13 अगस्त 2020 को भी ये स्टॉक दिया था, तब ये सिंगल फिगर्स में चला करता था और अच्छा खासा वहां से मूव भी किया है और कंपनी गजब है। देखिए इसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है, केना मेटल है तो एक एमएनसी है और एक बहुत पुरानी कंपनी है और मतलब इंडिया में भी अच्छा खासा इनका पेडिग्री है, 75% सब्सिडियरी है ये केना मेटल इनकॉर्पोरेटेड का, तो उससे एक और कॉन्फिडेंस आता है कि एक एमएनसी कंपनी में लाया हूं आज के ऐसे डेंजरस बाजार में और जहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो, सबसे इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि, और सेगमेंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि बजट में भी देखिए कैपिटल गुड्स के ऊपर काफी पुश था, इंफ्रा के ऊपर पुश था, तो ये कंपनी उसका बेनिफिशियरी होती है। कंपनी कार्बाइड पुल्स और स्पेशल पर्पस मशीन्स बनाती है ऑटोमोटिव डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए, इंफ्रा के लिए, और सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क कम लगती है मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जाने का घर लगता नहीं है, और अगर जाता भी है तो इन स्टॉक्स को लेते हैं तो कहीं कोई घबराना नहीं है क्योंकि इनके चूंकि फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हायर है और एमएनसी है, इक्विटी छोटी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, आने वाले समय में फिर से आ जाता है और साथ में ग्रोथ भी दे रही है। देखिए एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है ग्रोथ, करीब प्रॉफिट अगर पिछले 5 साल की कैगर देखें तो 26% की कैगर है और मैं रिजल्ट्स को देख रहा था और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो बल्कि पिछले मार्च के क्वार्टर में 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके सामने 18% का मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि पहले ये 13-14% के रेंज में काम करती थी, इस बार पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी ने अपने रेंज को बढ़ाया, ओपीएम्स को बढ़ाया, जो 18-19% के लगभग रहने लगा, विच इज अ वेरी बिग प्लस। मार्केट्स खराब है इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा स्टॉक, बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक बड़ा स्पाइक ये देगा। और दूसरी बात यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जैसे मैंने बात की प्रमोटर्स के 75% शेयर होल्डिंग रही है और FIIs DIIs का भी पूरा भरोसा है, 13-14% के लगभग इनका है, तो पब्लिक में भी शेयर होल्डिंग कम है, लो इक्विटी है और बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए स्टॉक को 2130 के टारगेट के लिए और 2300 का लेवल से ऊपर दिखाया हुआ है। ओके, तो 2130 के फिलहाल टारगेट्स के लिए खरीदारी करें जैन साहब की तरफ से, ऐसे बाजार में ऐसे ही मौके आते हैं। और जैन साहब बात करते करते स्टॉक पर भी एक रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, तो वीक बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप कन्विक्शन रख सकते हैं और उनमें से एक है केना मेटल, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्की रिकवरी है वैसे बाजार में, 15950 पर निफ्टी आते हुए दिखा है, बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 80-85 अंक रिकवर हुआ है, तो मामूली रिकवरी आ रही है बाजार में इनिशियल पहले 15 मिनट के बाद, जैसा अनिल जी कह रहे थे एक बार बाजार सेटल होने दीजिए फिर देखते हैं क्या डायरेक्शन चूज करते हैं। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, उन्होंने कुछ किया है आइडेंटिफाई बिगुल का वंडर। बताए सर,
दीपांशु मुझे बेचना है बंधन बैंक, अभी 320 का भाव है, मुझे लगता है ये 5 रुपए की 25 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बेचे, ऑन द डाउन साइड ये 300 तक जा सकता है, अभी भी मेरा मानना ये सेल ऑन राइज मार्केट है, बॉटम नहीं बना है, अगर बाउंसेस होंगे तो वो चौपी होंगे, चौपीनेस होगा, लेकिन अभी भी और सेलिंग बाकी है, तो इसको ये लेवल पे बेच के चले 5-5.5 रुपए के स्टॉप लॉस है 300 के टारगेट के लिए। ओके, तो 325 के करीब का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 300 का होगा टारगेट, ये है आपके लिए बंधन बैंक पर बिकवाली की राय इस समय आती हुई दिख रही है वागले साहब की तरफ से। सेलिंग प्रेशर कुछ काउंटर्स में ज्यादा बन रहा है, पर कुछ काउंटर्स हैं जो नीचे से रिकवर हो रहे हैं, आईटीसी अब 2.5% ऊपर है, वहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, एकमात्र वायदा कारोबार का काउंटर जहां पर खरीदारी इस समय बनी हुई है। डीएलएफ इस पर भी नजर रखिए, 300 के नीचे जाते हुए दिख रहा था, अभी वहां से थोड़ा संभला है, बट वैसे तो परेशानी डीएलएफ पर भी बनी ही हुई है, वीकनेस ये काउंटर भी दिखा रहा है इस समय। टाटा पावर ये आज फिसला है, पाले साहब क्या करना है टाटा पावर पर, आखिरी बार भी जब फिसला था तो ये 230-225 के लेवल्स पर आया था और वहां से एक अच्छा रिबाउंड इसने दिखाया था, क्या इस बार भी वैसे हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्या राय है इस पर सर? दीपांशु जी, स्ट्रक्चर तो वीक है और जिस तरीके से स्टॉक में 240 के आस से थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, 222-225 की तरफ हमें लगता है ये स्टॉक नीचे की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है, तो 234 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है 222 तक के टारगेट के। यह है आपके लिए टाटा पावर जहां पर आपको रखनी है नजर, कमजोर होते हुए दिख रहा है इस समय, बट नजर है पूरे बाजार पर, नजर है कुछ नतीजे जो आने वाले हैं। अशोक स्टेबल हो गए सर, नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा, 15,900 तोड़ना है, 15,000-16,000 के पार निकलना है, बेसिकली वैसा ही हो गया, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, इधर भी 33,300-33,600 जैसा दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है। आइए तब तक रिजल्ट पर ही फोकस करते हैं, अशोक लेलैंड पेश करने वाला है आज अपने नतीजे, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान के साथ तैयार हैं कुशल गुप्ता। कुशल यस सर, अच्छे खराब? मार्जिन स्टेबल है, टॉप लाइन अच्छी है, अच्छा मतलब बढ़िया ही माने जाएंगे, नंबर्स ओवरऑल ठीक लग रहे हैं। ओके, तो अशोक लेलैंड पर फोकस रखिए क्योंकि यहां पर आय लगभग 16.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और 8,150 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा कंपनी रेवेन्यू के फ्रंट पर बता सकती है क्योंकि वॉल्यूम्स जो है लगभग 10-10.5% की ग्रोथ दिखा रहे हैं और रियलाइजेशंस में भी 3% का हमें उछाल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं टॉप लाइन तो अच्छी रहने का अनुमान है, साथ ही मार्जिन्स ये भी कंपनी के स्टेबल रहेंगे, 7.6% से घटकर 7.2% की एक्सपेक्टेशंस है और कंपनी का मुनाफा लगभग 8% की ग्रोथ दिखा सकता है और 260 करोड़ रुपए पे कंपनी अपना मुनाफे के लिहाज से भी दर्ज कर सकती है। बट डेफिनेटली एक चीज आपको नोटिस करनी है कि कंपनी की जो कमेंट्री आएगी उसमें ईवी सब्सिडियरी को लेकर किस तरह की फंड रेजिंग पर प्रोग्रेस है उस पर हमारा जो है एक बड़ी रीरेटिंग ट्रिगर ये बनता हुआ दिख सकता है कंपनी के। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर राय इस वक्त, नतीजे के पहले इस खराब बाजार में मौका है कुछ खरीदारी करने का या छोड़ दें जाने दें अशोक लेलैंड। वागले साहब चार्ट पर राय दीजिए जरा, रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड बनता है या नोटा है? अनिल जी, ये माहौल में कोई भी स्टॉक नहीं टिकेगा, लेकिन ये इतना वीक नहीं है और ऑन अ बाउंस बेचना भी है तो ऑन अ बाउंस बेचना है 124-125 के आसपास और ऑन द डाउन साइड 115-116 का एक सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए। 115-116 के सपोर्ट को होल्ड करेंगे, फिलहाल इंतजार करें या तो उसके आसपास आए तब बेचें तब खरीदें या फिर ऊपर आ जाए तब बेचने के बारे में सोचें, तो ये है बिल्कुल मिला जुला सा रुझान। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही दीप, वो ये है कि आईटीसी के बाद अब वो दूसरा स्टॉक जो हरे निशान में आने की कोशिश करता दिख रहा है और वो है आईशर, बिल्कुल जहां पर खरीदारी थोड़ी लौटती दिख रही है। कल हिमांशु जी ने भी दिया था, हमारे एक और एक्सपर्ट ने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, दो जन की तरफ से आईशर में थोड़ी खरीदारी की राय भी आई थी। एक बार चार्ट पर भी जरा नजर डालते हैं पालिया साहब, आईशर के चार्ट देखिए जरा। मोबाइल स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स बिल्कुल अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसमें आईशर एक स्टॉक है और जिस तरीके का सेटअप बना हुआ स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से आज भी बाउंस बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। हमें लगता है यहाँ पे अगर 2720 का लेवल इसमें क्रॉस होता है तो ये स्टॉक में अपसाइड 2760-2780 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, तो ओवरऑल इसका सेटअप नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से पॉजिटिव जोन में है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2670 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में जैसे ये 2720 का लेवल क्रॉस करेगा एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, 2760 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।
ये है आपके लिए राय आयशर मोटर्स पर इस वक्त आती दिखे। इस बीच आईटीसी गजब के मजबूत दिखाता हुआ 4% मजबूत टॉप गेनर आईटीसी। अब मेरे ख्याल से डीप लास्ट टाइम 270-275 की रेंज से ही करेक्ट होकर वापस 245-50 तक आया था। बिल्कुल, अब वापस मेरे ख्याल से 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर होना चाहिए आईटीसी में। 52 वीक हाई जरा निकालिए आईटीसी में। अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार अब होता हुआ दिख रहा है। एकमात्र स्टॉक है जो बाजार को पूरा अपनी तरफ से सपोर्ट देने की इतनी बार जिक्र हो जाता है आईटीसी का कि याद रह जाते हैं। तो 275-52 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस बार कहां है सुमित जी नारा लगाने वाले? अब की बार 300 के पार सुमित जी। अनिल जी देखिए मोमेंटम तो बहुत बढ़िया बना हुआ है और जिस तरह से इसने लेवल निकाले हैं ये बिल्कुल इस बार 300 के पार जाना ही चाहिए। और जिस तरह से इसने आज मूव दिखाया है मार्केट को भी इसने अभी तक संभाला हुआ है तो मेरे को लग रहा है कि 300 के पार जल्दी आए किसी देखने को मिलेगा। 300 के पार निकलने की तैयारी आईटीसी की। पिछले 2 साल में जब ये सारे मीम्स बने थे एकदम हम बात करेंगे कि बाजार को संभाला हुआ है आईटीसी ने। हां सोचा था मैंने तो सोचा था बट ऐसे अभी भी देखिए दीप हमारा तो फंडा बहुत क्लियर है कि सपोर्ट देने में एफएमसीजी आगे रहेंगे। आज दो ही हरे निशान में, एक ऑटो वाला एक एफएमसीजी है और बैंक्स थोड़े थोड़े ठीक रहेंगे, कंपैरेटिवली कम गिरेंगे। तो हमारा व्यू क्लियर है, बैंक्स न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव, एफएमसीजी ऑटो पॉजिटिव, ऑटो एंसिलरी पॉजिटिव, ये सेक्टर से बहुत क्लियर व्यू है। आईटी और मेटल ऊपर में टिकेंगे नहीं, कब गिरेंगे ये बताना मुश्किल है। जब जब उछलेंगे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में आते हैं। आप देखो गिरने में दोनों ही आगे रहते हैं, आज भी गिरने में दोनों सेक्टर आईटी और मेटल ही सबसे आगे। तो वो सेक्टर वाइज व्यू क्लियर है, अब किस लेवल से कब क्या होता है वो थोड़ा ओवरसोल्ड में गिरे हुए को भी नहीं बेचना है, ओवर बोट में इनको भी नहीं लेना। तो ये व्यू के हिसाब से आप सेक्टरल पोजिशन ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट ऐसा है। ठीक है सर। जी राकेश जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी राकेश जी बोलिए सर। देखिए अनिल जी, मैंने तो अनिल जी प्री ओपनिंग में भी बोला था कि आईटीसी को खरीदना चाहिए, 264 के नीचे निकलना है, 278 के टारगेट्स। अनिल जी एक तो टारगेट अचीव हो गए हैं और दूसरा अनिल जी आईटीसी नतीजों में देखें तो जो प्रॉफिट है वो प्री कोविड लेवल्स के पास पर पहुंच गया। अनिल जी सिगरेट की सेल्स ताबड़ तोड़ है और प्री कोविड हाइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। अब ये अगर 278-280 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अनिल जी 300 रुपए की तरफ जा रहा है, तो ये एक अपडेट है ऑन आईटीसी। बाकी कंपनियों के बाकी शेयरों के तो आप चार्ट चेक करते हैं, किसी किसी स्टॉक्स में किसी किसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की भी चैनल चेक करते हैं बंसल जी? आप एक दो का बारे में पहले भी हमने और सुना था खाने पीने वाले शेयरों के बारे नहीं, में देखिए नहीं अनिल जी क्या है कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, अनिल जी एक व्यक्ति है बड़े करीबी, उन्होंने ना मतलब कि एक पान में चटनी डलती है अनिल जी उसके बारे में बताया। तो अनिल जी मैंने दिल्ली में एक चीज पाई थी, दिल्ली में खुमचे बहुत खुल गए हैं और सारे खुमचे अनिल जी सिगरेट के हैं, वो अच्छा पान के नहीं है। तो वो चटनी अनिल जी मैं ढूंढता रहता हूँ नवरत्न चटनी, तो उस चक्कर में मेरे को अनिल जी ये सब मेरे को अच्छा, चैनल चेक हो जाता है भी करता हूँ। क्या बात, मैंने ना अनिल जी चैनल चेक ना सिर्फ आईटीसी के लिए भी करा अनिल जी और पीवीआर के लिए भी चैनल चेक करा। पीवीआर की भी अनिल जी एक खास बात है इसके मैनेजमेंट की कि पूरे पेंडेमिक में अनिल जी कोविड टाइम में जब ये सिनेमा हॉल बंद रहे इन्होंने अनिल जी सैलरीज दी है, इन्होंने मतलब कि जो चीज नहीं थी वो रेंट पे नहीं करा, फोर्स मेजर क्लॉज को इन्फोर्स करा था, रेंट पे नहीं करा, बट अनिल जी सारे स्टाफ को सैलरी मिली है। अनिल जी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मुश्किल समय में ध्यान रखना ही चाहिए और अगर पीआर के मैनेजमेंट आप जैसा कह रहे हैं तो अच्छे क्या, बिजली साहब को बधाई। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है एचपीसीएल के नतीजों पर फोकस करने का। आने वाले अभी आए नहीं है और आने के पहले अनुमान समझ लीजिए और बता रहे हैं वरुण कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, बताएं। अनिल जी कमजोर नतीजे रहने वाले एचपीसीएल के, खासकर जो मार्केटिंग मार्जिन है वो थोड़े बहुत दबाव में रहेंगे और उसका असर जो है आपको ओवरऑल देखने मिलेगा। नो डाउट पिछले क्वार्टर्स में इन्वेंट्री गेन्स हुए थे, इस बार शायद उतने इन्वेंट्री गेन्स भी जो है इस कंपनी को नहीं होने वाले हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनके जो ओवरऑल रिटेल यूटिलाइजेशन लेवल है पिछले बार 107 के आसपास है, इस बार 108 के आसपास है। इनफैक्ट जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना उनके यूटिलाइजेशन में दिक्कत नहीं है लेकिन मार्केटिंग मार्जिन में दिक्कत है और जो इन्वेंट्री गेंस इसके पहले हो रहे थे वो नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए रेवेन्यूज जो है 16% के आसपास बढ़ेंगे, एबिटा मार्जिन जो है उसमें 3.8% के आसपास की गिरावट होगी, 1.9% से गिर के एबिटा मार्जिन जो है 1.6% के आसपास आ सकते हैं। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको मुनाफे में देखने मिलेगा जहां करीब 13-13.5% के आसपास की गिरावट होगी, 870 करोड़ से घट के ये 750 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो नतीजे जो है एचपीसीएल के कमजोर रहेंगे। ओके
एचपी सेल के रिजल्ट्स रहेंगे कमजोर, ये है अनुमान आपके लिए, कमजोर तो रहने ही है, नुकसान भी हो रहा है, कल ही किया था ना कि कितना नुकसान हो रहा है कर रहे हैं। एचपी सेल बेचने का मन करता है किरण जी इन लेवल्स पर, या अभी थोड़ा रुके? देखिए अनिल जी, हिंद पेट्रो में जो चार्ट पैटर्न है उसमें ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ये कल का लो तोड़ता है क्या नहीं। अगर कल का लो जो है वो पैनिक बॉटम था, अगर वो तोड़ता है तो फिर बेचना चाहिए, और वैसे भी आईओसी और बीपीसीएल के चार्ट्स काफी वीक है, तो मेरा मानना है कि बाय तो नहीं करेंगे पर बेचना है तो कल के लोज के नीचे ही बेचेंगे। कल का लो जो कैश मार्केट में था वो लगभग 238.30 का था, तो 238 के नीचे ही हम बेचने की सलाह देंगे। और वर्टिकल क्रैक आ गया है अनिल जी, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपका जो अगर बेचते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचना चाहिए, और 238 के नीचे अगर बेचेंगे तो 242 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए एचपी सेल में बिकवाली की राय। वर्टिकल क्रैक जब आता है तो वो वर्टिको की तरह घूम जाता है स्टॉक? नहीं अनिल जी, कई बार क्या होता है, अगर देखिए एचपी सेल के बारे में बात करें तो 300 से लेके 238 तक नीचे आ गया, तो अगर इतने बड़े फॉल के बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है या साइडवेज चला जाता है, तो टाइम करेक्शन अगर होता है तो ये स्टॉक ज्यादा वीक ऐसा टेक्निकली कहलाता है। ओके चलिए, तो ये है एचपी सेल आपके लिए नतीजों के पहले का विश्लेषण चार्ट के लिए। आज से आइए मुलाकात करते हैं, 9:45 होने वाले हैं, बसिन साहब है हमारे साथ लाइन पर तैयार। वैसे आप गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं, मूड बनाते हैं, फिर से झटका लग जाता है। आज फिर से ट्रिपल सेंचुरी मार दी नीचे, बताएं सर। अच्छा एक ही सवाल है, ये जो लोज बना है ना 15,740 के आसपास और 33,000 के आसपास बैंक निफ्टी के, ये होल्ड हो पाएंगे ना? हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी क्या रोज 10 साल ऊपर बढ़ रही है और घट रही है? बिल्कुल एकदम वैसे ही होता दिख रहा है, सही बात है। इसको कहते हैं शेयर बाजार। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, रात को सो तू कुछ है, सो तो दुख है। सो सर कोई दुख की बात नहीं है, हमारी पोजीशन अच्छी है, 15,700 होल्ड करेगा सर, होल्ड करेगा। अब इसमें दो दिन की वॉलेटिलिटी है, एक्सेसिस कैन बी क्रिएटेड अनिल जी इन एनी मार्केट, और उसके लिए हर चीज को इंडिया पे ब्लेम करना इज नॉट अ पॉसिबल पार्ट। सो आई एम वेरी वेरी श्योर वॉट आई स्टैंड बाय, इफ नॉट टूडे टूमोरो यू विल स्टार्ट टू सी मार्केट्स कम बैक। मेरे को लग रहा है क्रूड में एक बहुत बड़ा फॉल आने को है, रशिया यूक्रेन में जो सेटलमेंट जो होना है वो हो चुका है। अब आप इन्फ्लेशन को हर चीज में लेंगे तो आप देखिए पीआई इंडस्ट्री, डीएलएफ, आईटीसी, आईजीएल, रिजल्ट्स आर बिलोइंग एक्सपेक्टेशन। अब उसके सामने फियर है और फियर में ही पैसा बनता है, तो मुझे कोई दो राय नहीं, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दिस बॉटम विल होल्ड एंड वी विल स्टार्ट टू ट्रेंड अपवर्ड। नाउ एवरी डे दिस वॉलेटिलिटी इज डेफिनेटली अनसेटलिंग, वो सबके लिए है, बट मैं अपनी कन्विक्शन नहीं छोड़ूंगा अनिल जी। और आप कहें तो मैं अपडेट भी दे दूं थोड़ा अपडेट, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है आज एनएससी का, इस कारण से थोड़ा सा रेट्स में फ्लक्चुएशन है, लेकिन मैं 2 या 3 बाय जरूर देना चाहता हूं आप कहें तो। जी सर प्लीज अपडेट्स भी बताएं और आपकी फ्रेश कॉल्स भी जो आप बताना चाहें। देखिए अनिल जी, कल भी मैंने कहा था बजाज फाइनेंस और एलएनटी में शिफ्ट कीजिए, मैं अभी भी दो राय नहीं है उसमें। परसिस्टेंट सिस्टम एक आपको मिड कैप आईटी दिया था, इन तीनों में सिर्फ जारी रखिए, द वॉलिटिलिटी मे कंटिन्यू बट यू विल मेक मनी इफ नॉट टुडे इन द नेक्स्ट 4 to 8 weeks। आज के लिए 3 बायज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। भाव थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्योंकि सिस्टम में प्रेशर है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताए। तो देखिए आईटीसी मेरा कन्विक्शन ट्रेड था कहीं पहले से, अभी भी मैं सोचता हूं आईटीसी विल गो टूवर्ड 300, 270 का भाव है, 260 का स्टॉप लॉस रखिए, 300 का टारगेट आपके पास आना चाहिए। दूसरा रिजल्ट भारत फोर्ज के बहुत बढ़िया थे, और 675 रुपए में अगर आपको मिले तो भारत फोर्ज लीजिए, 655 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। और तीसरा पिक है सर डीएलएफ, अनप्रेसिडेंटेड के इतना ज्यादा वीकनेस आ गया, ये 305-7 तक भाव नहीं टूटना चाहिए, 310-12 में लीजिए स्टॉप लॉस। आज का लो जो भी 304-5 है मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे 340 का भाव वापस दिखता है इन डीएलएफ। ओके तो 3 स्टॉक है जहां खरीदारी करनी है, एक तो मजबूत आईटीसी जो 260 के स्टॉप लॉस से खरीदने, 300 रुपए तक के टारगेट के लिए 270-272 के आसपास खरीद सकते हैं, भारत फोर्ज 675 के आसपास लीजिए, 655 का स्टॉप लॉस है, 700 का टारगेट है, डीएलएफ 310 के आसपास आप खरीदेगा,
यहां पर 304 का स्टॉप लॉस लगाइएगा नीचे और 340 के टारगेट के लिए डीएलएफ में भी करनी है आपको खरीदारी। तो तीन बेहतरीन पिक्स बसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए और बाजार में कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बीच दिन के लो पॉइंट पर आया है निफ्टी, 15,903 आज का लो है लगभग उसके आसपास। बैंक निफ्टी का लो है आज का 33,387, उसके बेहद करीब यानी 33,400 आसपास। तो दिन लोअर पॉइंट की तरफ फिर से आते हुए दिख रहे हैं मार्केट, जबकि डाउ फ्यूचर्स 65 पॉइंट ऊपर है, यानी कि हल्की फुल्की पोजीशन कम होने के खतरे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। बढ़ते आगे, और इस वक्त आगे बढ़ने से पहले हाँ, आशीष सर ने एक मैसेज भेजा तो मैं बता दूं कि उनका यह कहना है कि जो रिलायंस खरीदने की राय उन्होंने दी थी वो सारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने कहा कि उसे आप होल्ड रखें, कोई खास चिंता की बात नहीं है रिलायंस को होल्ड करके रखने में। उनकी तरफ से अपडेट आया तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए, है ना। बिल्कुल सर। दूसरा एक और स्टॉक है जो आज सेठी जी ने सुबह सुबह पिक के तौर पर रिकमेंड किया था, रुचि सोया, हरे निशान में लौटकर 1200 के ऊपर निकलता हुआ, कल भी सर्किट पर बंद हुआ था। कल हमने आपके सामने डिटेल रिसर्च की थी और आज भी हम एक बार देखते, कल मेरे ख्याल से कॉनकॉल भी हुई थी, तो एक बार कॉनकॉल की डिटेल्स और हाइलाइट्स भी हम आपके सामने रखेंगे कि उसमें मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है। लेकिन तब तक आइए, गोदरेज कंज्यूमर्स नतीजे देने वाला है आज, अपने अनुमान बताने के लिए तैयार है फिर से वरुण। वरुण बताइए, आजकल रिजल्ट का अनुमान एफएमसीजी कंपनियों का जो आप लेकर आ रहे हैं अच्छा ला रहे हैं, इसलिए हमने सोचा इसका भी आपसे ही पूछा जाए। चलो ठीक है, आईटीसी का आप ही नहीं दिया था? आईटीसी का मैंने ही दिया था, लेकिन गोदरेज आईटीसी का हमने कहा भी था कि नतीजे अच्छे हैं, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर्स के नतीजे जो है वो थोड़े कमजोर साइड पे रहने वाले हैं। नो डाउट रेवेन्यू ग्रोथ होगी करीब 6-7% के आसपास की, क्योंकि कंपनी ने गाइड भी किया था कि काफी सारे सेगमेंट्स इनके हैं जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ हुई है तो उसका फायदा मिलेगा। काफी हद तक ये जो ग्रोथ हुई है वो प्राइस लेड ग्रोथ है, इसके लिए आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज में थोड़ी बहुत ग्रोथ है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि वॉल्यूम्स फ्लैट रहेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने मिले, तो देखना होगा कि वॉल्यूम पे फ्रंट पे कैसा होता है। कंपनी ने खुद ने कहा था कि इनके जो मार्जिन है वो प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं, तो हमारा अनुमान है कि मार्जिन में करीब करीब 20.1% यानी कि 20% के आसपास से गिर के 18.5% के आसपास आ सकते हैं, यानी कि 1.5% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन में गिरावट होगी और कंपनी का मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है, 365 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ के आसपास आएगा। तो ग्रोथ रहेगी लेकिन वो प्राइस लेड ग्रोथ होगी, मार्जिन जो है उसमें दबाव रहने वाला है इनपुट कॉस्ट की बढ़ोतरी के चलते। तो मार्जिन में तो दबाव आएगा ही, वो जो एक स्टोरी बनी हुई है इस स्पेस में वो तो आप बने हुए देख ही सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर, कुणाल जी जरा चार्ट्स पर राय दें, वैसे निचले स्तरों से ये थोड़ा रिकवर हुआ है, एफएमसीजी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट गिर नहीं रहा है यही बड़ी बात है, और थोड़ा तो अब यहाँ पर सुधार भी आया निचले स्तरों से, क्या राय है सर गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर? देखिए दीपांशु, चार्ट अच्छा है, नीचे एक डबल बॉटम पैटर्न बना था गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर, उसके बाद कंसोलिडेशन भी होता हुआ हमने देखा और ब्रेकआउट भी आया, लेकिन बाजार के साथ आज ये स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर काफी बड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगला हर्डल चार्ट पर 838 के आसपास नजर आता है, 838-835 के आसपास, 835 का लेवल जैसे ही स्टॉक निकालेगा इसमें एक फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि 915-920 के लेवल्स भी आते हुए दिखें, तो 835 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय। ओके, तो 835 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की राय आएगी गोदरेज कंज्यूमर में, अच्छी बात है कि थोड़ा नीचे से ये संभला है बट गिरा है, और मनापुरम 10% का सर्किट खुलने के बाद और 1.5% की गिरावट इसमें आते हुए दिखे, 11.5% नीचे मनापुरम का चार्ट आपको आते हुए दिख रहा है, तो कहीं से भी यहां पर सपोर्ट नहीं दिख रहा है बाजार में इस समय। नजर रखेंगे इसके चार्ट पर भी, नजर रखनी है कुछ और काउंटर्स पर भी जहां पर और वीकनेस आपको बनती हुई दिख रही है इस समय। कंजम्पशन की अगर बात करें तो कुछ और काउंटर्स फिसल रहे हैं, डाबर फिसला है इस समय, नजर रखिए 2% नीचे डाबर आया है, बाटा में आप 2.5% की गिरावट आते हुए देख रहे हैं, कुछ कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको कमजोरी बनती हुई दिख रही है, तो अक्रॉस द बोर्ड जो सेलिंग है उसका प्रेशर कुछ कुछ काउंटर्स और पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर वीकनेस बनी है एबी कैपिटल, इसमें थोड़ी रिकवरी आई थी अब ये दोबारा गिरते हुए दिख रहा है, 100 के नीचे है एबी कैपिटल। सुमित जी जरा देखें इसके चार्ट को सर, दीपांशु थोड़ा वेट करना है बाइंग के लिए, एबी कैपिटल के अंदर 103 रुपए 104 रुपए का लेवल टूटेगा उसके बाद ही इसके अंदर बाइंग बनेगा, अगर 103-104 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब तो 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक बाइंग अवॉइड करें। नीचे में 95 और 91 ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल टूटे तो और नीचे का मूव आएगा, फिलहाल वेट एंड वॉच करें एबी कैपिटल में।
तो ये है आपके लिए एबी कैपिटल, जिस पर रखने नजर। एबी फैशन पर भी आप वैसे ही कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं, तो काउंटर्स हैं जो वीकनेस इस समय दिखा रहे हैं। आरबीएल बैंक पर आज बड़ा प्रेशर बना हुआ है, 5% नीचे आरबीएल बैंक दिख रहा है। किरण जी जरा देखें आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए दीप, आरबीएल बैंक की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि आरबीएल बैंक में जो मूव आ रही है वो थोड़ी सी करेक्टिव ही देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इधर से और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। गैप डाउन से खुला है तो लॉन्ग ट्रैप्स हो चुके हैं, और अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 120 के कॉल में काफी बढ़त देखने को मिल रही है, तो कॉल राइटिंग काफी हो चुकी है, तो 120 के ऊपर जाने की जल्दबाजी में देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए अवॉइड रखना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि 110 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे एक बार रिव्यू ले लेना। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आरबीएल बैंक पे। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार, आइए कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में। सबसे पहले सुमित जी अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बहुत देर के बाद एक बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 158 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जीएसएफसी। जीएसएफसी के अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से तेजी दिखा रहा है और आज ये मार्केट की गिरावट के अंदर कल का हाई ब्रेक कर रहा है। जीएसएफसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, 151-152 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो इसको अभी का अभी खरीदारी करें। यहां से मेरे को लग रहा है कि जैसे ही ये यहां पे 160 का लेवल तोड़ेगा तो 168 रुपए से लेके 175 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में जीएसएफसी में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें जीएसएफसी 151 के स्टॉप लॉस से 168-175 के टारगेट के लिए। ओके, सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दिख रहा है बढ़िया मूव। कल आरसीएफ भी काफी तेजी से भागता हुआ नजर आया था। आरसीएफ और एनएफएल दोनों रिकमेंडेशन लिस्ट में थे। सुमित जी की एनएफएल के बधाई स्वीकार कर ले, खराब मार्केट में मजबूत है। मोदी जी जब भी आएंगे उनको हम आरसीएफ की अलग से दे देंगे बधाई। तब तक आइए किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी सही में सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, मेरा चंबल फर्टिलाइजर में बाय करने की सलाह है, 407 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि 402 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर ऑप्शन चार्ट देखते हैं तो अनवाइंडिंग लगभग 430 तक के स्ट्राइक प्राइसेस में देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि आपको 420 में पहला एक रेजिस्टेंस है वो पहला टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर आज की क्लोजिंग मिलती है तो 440 के टारगेट्स कल परसों में देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बिल्कुल कुछ हो रहा है अनिल जी। कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, ढेर सारा हो रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, 402 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए ऊपर में 420 और 440 का। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, जैन साहब और साथ ही साथ हिमांशु जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक आइए 10 की कमाई में एक बार फटाफट पहले कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी देख लिया जाए और एक्शन भी देख लिया जाए। जब तक दीप तैयार हो उसके लिए, तब तक राजेश पालिया साहब तैयार है अपनी 10 की कमाई के शेयर के साथ। पालिया साहब बताएं सर। जी 10 की कमाई में जो स्टॉक बाय करेंगे वो रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से स्टॉक इतने वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल परफॉर्मेंस अगर हम देखें स्टॉक में देखने को मिला है, स्टॉक 900 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक को यहाँ से लिया जा सकता है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए शॉर्ट टर्म में करीब 940 से 950 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 875 का, तो एम एंड एम पे बाय करने की सलाह रहेगी 940-950 के टारगेट।
यह है आपके लिए M&M, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, 10 की कमाई पाल व्यास साहब की तरफ से। आइए एक बार डाल देते हैं नजर जहां तक कमोडिटी मार्केट का भी सवाल है, क्योंकि यहां पर एक्शन इक्विटीज इतना तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी मूव तो आ ही रहे हैं। कच्चा तेल संभरा हुआ है 1% ऊपर, हालांकि कल और आज में देखें तो जरूर यहां पर आपने गिरावट होती हुई देखी है। नेचुरल गैस इस पर रखिए नजर, 2% नीचे आपको नेचुरल गैस के दाम आए हैं। गोल्ड पर करना है फोकस, अच्छी शुरुआत के बाद अब गोल्ड के दाम आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं सिल्वर पर भी 1/4% का प्रेशर है, गिरावट नहीं है बट हल्का सा प्रेशर आपको जरूर दिखेगा। और जहां तक बेस मेटल्स की बात है, दो दिन बाद यहां पर एक बढ़िया रिबाउंड आ रहा है, तो लेड जिंक दोनों में खरीदारी है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि एल्यूमिनियम के दाम आज 1% ऊपर आपको दिख रहे हैं और कॉपर के दाम भी 0.5% ऊपर दिख रहा है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम बेस मेटल्स की रैली को लीड कर रहे हैं इस समय, दो दिनों के बाद यहां पर आया है बाउंस बैक। आइए आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी देख लेते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की राय है, गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना है 49,950 के लेवल पर, टारगेट 50,250 का रहेगा और स्टॉप लॉस 49,800। जिंक मे कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 311.5 के लेवल्स पर, टारगेट 309, स्टॉप लॉस 313.5। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड जून कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपको बेचना है 6060 के लेवल पर, टारगेट 6000, स्टॉप लॉस 6100। तो गोल्ड खरीद कर चले, जिंक और ग्वार सीड बेचे, ये है आपके लिए ट्रेड बुल्स की राय। अनिल जी आज तीन खास सेगमेंट्स लेकर आए हैं, एक तो जो ये बाजार में और ग्लोबली महंगाई का डर बना हुआ है उसको लेकर आज एक अहम बैठक भी है भारत में, इसके एजेंडा पर चर्चा की जाएगी, महंगाई पर महामंथन होगा, तो ये हमारा स्पेशल फोकस पहले रहेगा 11:26 पर। फिर क्या क्रूड का ऑफ रहेगा मूड, इस पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चिंता कि अब कच्चे तेल का क्या होने वाला है, एक रेंज में ही रहा है, ऊपरी स्तरों पर गिरावट आती है, निचले स्तरों से खरीदारी भी आती है, यहां पर क्या होगा, और क्यों है गोल्ड का कॉन्फिडेंस डाउन, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर बना हुआ है, 50,000 के नीचे भी गया था, फिलहाल उसी के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो आगे गोल्ड में क्या होगा, तो गोल्ड, कच्चा तेल एंड मोर इम्पोर्टेंटली महंगाई, इन तीनों चीजों पर आज करने वाले हैं सर हम फोकस। ओके, तो तीन बड़े डिस्कशन और तीनों बड़े काम के हैं, तो एक भी आपको मिस नहीं करना है, टाइम तो खाली आधा घंटे का है जिसके बीच में ये तीनों डिस्कशन आपके लिए हो जाएंगे, तो 11:30 का हमारा कमोडिटी स्पेशल देखना ना भूलें। थोड़ी देर में हमारे साथ बग्गा साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैं तैयार, ग्लोबल मार्केट्स में जो उठापटक है उस पर देंगे अपना पूरा का पूरा विश्लेषण। उससे पहले आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में हिमांशु जी, जैन साहब दोनों जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका। जैन साहब का एक बार फिर से स्वागत, जेम्स के अलावा बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, देखिए मैं पेपर स्टॉक्स पे काफी बुलिश रहा हूं, सीएसआई पेपर, जेके पेपर, स्टार पेपर, ये सारे दिए हुए हैं, और आज वापस से एक और स्टॉक लाया हुआ वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट पेपर की खास बात यह है कि ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर्स है इंडिया के अंदर और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, और पास्ट में भी रेकमेंड किया और हर बार टारगेट्स अचीव हुए, और सबसे बढ़िया बात है इस बार जो रिजल्ट्स आने वाले हैं इस कंपनी के अभी तक आए नहीं है, जनरली में जो आ रहे हैं उन्हीं को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट इसके आए नहीं है, बट जिस तरीके से देखिए आप TNPL के या जेके पेपर ये सब जो नतीजे आ रहे हैं बहुत गजब के आ रहे हैं, सो वी शुड सर्टनली टेक अ चांस कि इसमें भी आए, और पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे स्टॉक को लेना चाहिए, और 390 का टारगेट आने वाले 6-9 महीने के लिए। ओके, 390 के टारगेट के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर में करें खरीदारी, TNPL के शानदार रिजल्ट्स आए और जेके पेपर तो दौड़ लगा ही रहा है, दौड़ मतलब ड्रीम रन ही चल रहा है जेके पेपर, बढ़िया मूव है, जरा एक बार जेके पेपर और TNPL दोनों शेयर भी दिखाएं एक बार कैसा माहौल है वहां पर, तो कल भी जेके पेपर तो काफी तेजी से भागा था, आज फिर से ठीक है थोड़ा नीचे, आज मार्केट के मूड माहौल के साथ 3% नीचे, थोड़ा TNPL भी आज नीचे हुआ था मार्केट के मूड माहौल के साथ 205 के आसपास, ठीक है कोई बात नहीं चलता है। आइए बढ़ते आगे और हिमांशु जी से ले लें उनकी लॉन्ग टर्म पिक, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है वो एक IT प्ले है, डेटामेटिक्स। देखिए हालांकि IT सेक्टर थोड़ा सा एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अनिल जी अगर IT सेक्टर के लेवल्स की बात करें तो लगभग 30% का इंडेक्स में IT इंडेक्स में करेक्शन आते हुए नजर आया, और मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि ये शायद फाइनल फेजेज ऑफ द डिक्लाइन हो और इसके बाद यहाँ पर वापस से स्टेबिलिटी और खरीदारी IT स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
अगर मैं पर्टिकुलर डेटामेटिक्स के स्टॉक की बात करता हूँ अनिल जी, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है जो कि लगभग 18% के प्रॉफिट के सीएजीआर पिछले काफी सालों से दे रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पीयर्स के मुकाबले काफी सस्ती है, सिर्फ 13-14 के पीई मल्टीपल पर अवेलेबल है और पिछले कुछ क्वार्टर से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग जबरदस्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल सेटअप पर अनिल जी, जहां पर एक और पूरे स्टॉक्स पूरे सेक्टर्स ऑलमोस्ट हाई लोज के आसपास है, डेटा मैट्रिक्स में पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी देखने को मिली है और टेक्निकल सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है। डेली और वीकली चार्ट पर मुझे लगता है कि यहां पर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। जैसे ही आईटी सेक्टर में थोड़ी सी नॉर्मलसी वापस आएगी, ये एक स्टॉक है जो यहां से डबल होने की भी पोटेंशियल रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेटा मैट्रिक्स में 280-300 के आसपास खरीदारी करके चले, 450 रुपए तक के टारगेट यहां पर 6 से 8 महीने में आते हुए नजर आ सकते हैं। 250 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह देंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से आती हुई खरीदारी करने की डेटा मैट्रिक्स में, जेन्स आपका जेम्स स्टॉक भी रहा हुआ है डेटा मैट्रिक्स, यहां पर खरीदारी करें तो फंडामेंटली आपको सपोर्ट मिल गया जेन्स से और टेक्निकली तो आप देख ही रहे हैं। वैसे तो आज आपने फंडामेंटल भी काफी बताया डेटा मैट्रिक्स में, हिमांशु जी बहुत मेहनत की है। सारे सही तो बताए ना डेटामेटिक्स के फंडामेंटल। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे पैनल में आजकल एक चीज है, देखिए ये शुरुआत में शायद परहैप्स मैंने की थी कि फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स करें, बट अब क्या सारे टेक्निकल वाले भी फंडामेंटल में बहुत दे रहे हैं, तो अनिल जी मैं कॉम्पिटिशन तो नहीं माना इससे। आप दूसरे के इलाकों में घुसोगे तो यही होगा, आप समझ लो फंडामेंटल वाले कम है टेक्निकल वाले ज्यादा, ये सब आपके इलाके में आ गए ना, तो जैन साहब कुछ नया सोचना पड़ेगा फिर आपको, समझ लीजिएगा। अच्छा हिमांशु जी कुछ आपको राय दे रहे हैं। जी हिमांशु जी बोलिए। अनिल जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था अनिल जी की ऊपर वाले की आशीर्वाद से मैं सीएफए क्वालिफाइड हूँ अनिल जी, वो तो इंटरेस्ट की वजह से मैं टेक्निकल्स में आया हूँ लेकिन फंडामेंटल्स की भी समझ रखता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल 100% कोई डाउट ही नहीं है, और वो जब आप नेशनल टेलीविजन पर सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर राय देते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से देते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है और उसके पीछे काफी मेहनत भी लगती है। बाकी कोई किसी के इलाके में घुस जाए, जो करना है कर ले, एक इलाका ऐसा है जिसमें कोई घुस नहीं सकता और घुस भी गया तो देखो क्या है, ए भी तो एक ही है, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड और हमारे ग्लोबल मार्केट्स में एक ही है अजय बग्गा साहब, तो जिसको जितना घुसना है घुस जाए ग्लोबल मार्केट में, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है, सर स्वागत है। सर ये तो हमें पता था कि हमें इन्फ्लेशन से डरना है, हमें ये भी पता है इंटरेस्ट रेट से डरना है अमेरिका में, उसकी वजह से हम गिर जाए ये समझ में आता है, लेकिन ये नया टारगेट की वजह से क्यों गिरना है? और अनिल जी एक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आज 7 बजे का भी शो मैं डीप के साथ कर रहा था और डीप ने सब कुछ कवर कर लिया था, मैं यही कह रहा था कुछ बदला नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके लिए लेके आया था अनिल जी, कि वॉलमार्ट की अगर आप नंबर देखें तो 3% सेम स्टोर ग्रोथ उन्होंने साल दर साल दी, जहां 0.9% ओवरऑल यूएस का रिटेल बढ़ा है, 3% इनकी ग्रोथ हुई, उसके बावजूद स्टॉक को ये 1987 के लेवल्स पे ले आई, इतना भयंकर इसमें गिरावट की गई। उसका मूलभूत कारण यह है कि वॉलमार्ट ने कहा कि हम कस्टमर को प्राइसिंग पास ऑन नहीं कर पा रहे, और दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर अगर आके बोले कि भाई मैं मेरे पास प्राइसिंग पावर नहीं आ रही है, मैं कस्टमर को मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, मेरे पास फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, लॉजिस्टिक्स की कीमतें बढ़ी हैं, चाइना के चलते सप्लाई चेन के कारण कीमतें बढ़ी हैं, उससे मुझे इन्वेंटरी ज्यादा होल्ड करना पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, और वेज कॉस्ट जो यूएस में वेज कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मार्केट ने ये कहा कि इनको आगे प्रॉफिट में दिक्कत आने वाली है, फिर टारगेट ने अगले दिन आके यही कहा, लोस ने भी कहा, डॉलर स्टोर्स ने ये कहा, और सारे 20-30% गिर गए टारगेट और वॉलमार्ट 1987 के लेवल्स पे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि यूएस कंज्यूमर ने खरीदना बंद कर दिया, यूएस कंज्यूमर ट्यूसडे को बहुत अच्छे नंबर आए थे, 0.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अमेरिका के लिए बहुत हाई है, तो यूएस कंज्यूमर तो खर्च रहा है, बट ये कंपनियों को प्राइसिंग का इश्यू आ रहा है और वो इन्फ्लेशन में आता है, जो भारत में भी हमने देखा है, सीमेंट कंपनियां हो पेंट्स की कंपनियां हो ये पास ऑन नहीं कर पा रहे जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं, एफएमसीजी कंपनीज हो, लीवर्स के इंडिया हेड ने बोला कुछ दिन पहले कि पूरा पास ऑन नहीं कर पा रहे और वो कॉस्ट अपना ऑप्टिमाइजेशन इंटरनली पहले देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी इश्यू कल निकल के आया अनिल जी।
ये इस बार थोड़े से, लेकिन एक तरफ हम ये भी सोच रहे थे कि अगर वाकई में सेल्स कम हो रही हैं तो ऐसे में डिमांड कम होगी, महंगाई कम होगी, तो ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वाकई में जो जितना बड़ा फॉल हुआ है अमेरिका में, ऐसा 2020 के बाद पहली बार 4-4% 5-5% मार्केट टूट रहे हैं, ये क्या जरूरत से ज्यादा है या जायज है? ये अनिल जी, इसलिए अब हमारे सारे जो एनालिस्ट हैं सब फंडामेंटलिस्ट बन रहे हैं। ये इसलिए इश्यू है। मैं जैन साहब को बोलने वाला था, कोई नहीं, मैं आपके पलड़े में बैठा हूँ, 4-5 के बराबर तो मैं हूँ ही, बंसल जी वगैरह तो 130 किलो का मैं हूँ सर, वजन में 4-5 के बराबर है, नॉलेज में तो कम से कम मतलब 50 में इक्वली है, 1-8 dozen तो आप आराम से संभाल सकते हैं। तो जैन साहब घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपके पलड़े में मैं बैठा हूँ। अच्छा, एक चीज अनुभव से बताएं, एक चीज ऐसा हमने नोटिस किया है कि जब मार्केट खराब होता है बहुत, तो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स है वो टेक्निकल लेवल्स देखने लगते हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट फंडामेंटल राय देने लगते हैं, ऐसा सही है? नहीं सही है, देखिए अनिल जी, जहां नॉलेज होती है उससे आप समझ नहीं पा रहे मार्केट, तो इसलिए आप बोलते हैं चलो कुछ और सीखते हैं। मैं भी अब देखने लगे हूँ 200 डीमा कहाँ है। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा बताए सर, अब आप अमेरिका के, आज एक मिनट कुणाल जी कुछ कह रहा है, जी कुणाल जी पहले बताए। अनिल जी देखिए, जब तक फंडामेंटल वाले टेक्निकल देख रहे हैं और टेक्निकल वाले फंडामेंटल देख रहे हैं तब तक तो ठीक है अनिल जी, बस अनिल जी ग्रह नक्षत्र ना देखने लगे सब मिलकर अनिल जी बस। ये आइडिया भी ठीक है कि वैसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, काफी लोग, अच्छा हमें काफी लोग अप्रोच भी करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी, हम कहते हैं कि भाई हम साल के एक दिन दिवाली के आसपास या न्यू ईयर के आसपास जरूर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी पे, रोज वाला तो अभी तक फॉर्मूला समझ में नहीं आया। एनीवे, सबकी अपनी अपनी स्किल्स है, अपनी अपनी नॉलेज है, आपको जो अच्छा लगे वो करे और उस पर कायम रहे। बताए बग्गा साहब। हाँ सर, मैं क्वेश्चन ही भूल गया इस सर। अच्छा, तो हाँ, और मैं देख रहा वागले साहब बिल्कुल नहीं हंसते, हम सब इतने जोक मारते हैं। हाँ, भी आपने कहा था, तो संदीप जी आप थोड़ा तो हंस लीजिए। मार्केट बेटर हो गया सर, बग्गा साहब मतलब मैं आपका कैसे धन्यवाद अदा करूं, मैं बोल नहीं सकता, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पैनलिस्ट ऑल व्यूअर्स थैंक यू सो मच सर। ये मैसेज हम वागल साहब तक पहुंचाना चाहते थे, हमारी हिम्मत नहीं है, हमको चाहिए था कोई उनसे ज्यादा सीनियर आदमी, जो आप है आपने कहा तो वागल साहब तक पहुंच गए, हम तो बोल भी नहीं पा रहे थे तो। और अच्छा वागल साहब पक्का बता रहा हूँ, मैंने बग्गा साहब को मैंने नहीं कहा कि ये ऐसा आपको कहे, मैंने नहीं कहा था सर, आपने अपनी मर्जी से बोला। मैंने शो पे ही देखा था, कल शो पे आपने कहा था वही बात, अभी तो ब्राइट स्माइल आ गया, आप मार्केट रिकवर हो जाएंगे जैसे बग्गा साहब कहते हैं ना, आज शाम तक फिर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, तो सवाल जो बग्गा सर, सवाल आप भूल गए, मैं भी भूल गया सर, तो चलिए सवाल आपके लिए यही है कि रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसको लेकर बाइडेन साहब के भी स्टेटमेंट आए, तो क्या ये एक और डर चिंता फिर से शुरू हो रही है कि जो नेटो में जा रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन, उसके चलते फिर से क्या मामला बिगड़ सकता है? जी अनिल जी, देखिए काफी हद तक ये मार्केट में डिस्काउंटेड है, और मैं इसमें कोट करूंगा बैंक ऑफ अमेरिका, ये ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे हर महीने का निकालते हैं, 94 से निकालते आए हैं, इस बार ही क्या अहम बात रही कि कोविड 1% रिस्क ही देख रहे हैं फंड मैनेजर, रशिया चौथे नंबर पे आ गया, रशिया यूक्रेन, पहले तीन क्या है कि हॉकिश सेंट्रल बैंक पॉलिसी मिसस्टेप कर देंगे जिससे रिसेशन आ जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक स्लोडाउन, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा जाके रशिया। और कुछ एनालिस्ट यही कह रहे थे इसके बाद कि भाई फंड मैनेजर शायद गलत, नॉर्मली गलत ही होते हैं, तो क्योंकि मार्केट टाइमिंग आप इसके बेसिस पे नहीं कर सकते, तो क्या ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कोविड को भी और रशिया को भी, और ये जो मार्केट में 6 हफ्ते का फॉल है, और ये हफ्ता हमें लग रहा था मंडे जब हमारी बातचीत हुई, चाइना से बहुत आशा थी क्योंकि जीरो कोविड आ रहा था शंघाई में, लग रहा था कि अब स्टिमुलस लेके आएंगे, तो चाइना के वाइस प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक हेड से भी बात की, सारे पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों से, तो वहां से बहुत आशा थी, वहां मायूसी आई, कल चाइनीज मार्केट फिर गिरा, चाइनीज मार्केट अब 25% डाउन है साल के लिए, तो चाइना के स्टिमुलस से मायूसी है,
दूसरा मार्केट में डर बहुत है कि पॉलिसी मिसस्टेप हो जाएगा, क्योंकि पावल ने खुद कहा है और जो मैं हर आरबीआई पॉलिसी में कहता हूं, इंटरेस्ट रेट पूरी इकोनॉमी का बढ़ाना बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड को डिस्ट्रॉय करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये इन्फ्लेशन को घटाता है। और सप्लाई चेन से जब इन्फ्लेशन आ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती, आपको सप्लाई चेन बढ़ानी पड़ती है। तो इस कारण ये डर मार्केट को लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी और हो सकता है कि एक रिसेशन यूएस में आ जाए, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसके ऊपर मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया, क्योंकि इतना टाइम हो गया, फरवरी के लास्ट वीक में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, अब रोज आती रहती हैं खबरें, तो लोगों ने पचा लिया, मार्केट आगे अब ढूंढ रहा है। तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लेसेंसी हो, इससे मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं। स्पेशली स्वीडन और फिनलैंड जब नेटो की उन्होंने अर्जी दाखिल की है, और अगर वो आते हैं तो रशिया के लिए बहुत बड़ी एक प्रोवोकेशन हो जाती है, बट रशिया कर क्या पाएगा ये क्वेश्चन है। और अगर आपने फिर उसको कॉर्नर कर लिया, एक डिक्टेटर को आपने कॉर्नर में बांध लिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ सकता है, ये मैं आपसे सहमत हूं। बट अभी ये रिस्क बहुत पीछे हो गया है, सबसे बड़ा रिस्क सेंट्रल बैंक्स का हो गया, इन्फ्लेशन का हो गया, इकोनॉमिक स्लोडाउन का हो गया, रशिया का रिस्क चौथे नंबर पे आ गया। तो रशिया बैकफुट पर नहीं, रशिया बैकफुट पर नहीं, रशिया की रिस्क जो है वो थोड़ी पीछे है, लेकिन उससे पहले ढेर सारे और चुनौतियां हैं जिन्हें हमें हैंडल करना है, आइए उस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है, हिमांशु जी बताएं आज के लिए आपकी पोजिशनल पिक। तो अनिल जी आपकी बात सिर्फ टेक्निकल्स, पोजिशनल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है आरसीएफ का। और अनिल जी कुछ महीने पहले जब ये स्टॉक एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था, तो लगभग इन्हीं लेवल से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, 80-85-90 के जोन से स्टॉक ने एक मच अवेटेड हर्डल 100 रुपए का पार किया, 110-111 के नए हाइज बनाए, और उसके बाद जो एक हेल्दी प्रोसेस होती है कि जो एक रेजिस्टेंस को पार करने के बाद स्टॉक वापस से सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ नजर आया, वो एक प्रोसेस स्टॉक ने कंप्लीट कर ली है। मेरा ऐसा मानना है कि यहां से ये स्टॉक वापस से हायर हाइज का सीक्वेंस जो है वो एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा, और रिस्क रिवॉर्ड इस करेक्शन के बाद, इस डिक्लाइन के बाद वापस से फेवरेबल दिखने लग चुके हैं। मेरा मानना है करंट लेवल्स 98 के आसपास है, 95-98 के जोन में खरीदारी करके चलें, 85 रुपए के नीचे पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और पोजिशनल तौर पर 125 और 140 रुपए तक के टारगेट्स आरसीएफ के काउंटर में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आरसीएफ में खरीदारी करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक लेने का वक्त जैन साहब से भी है, लेकिन जैन साहब से लेने उससे पहले एक ब्रेक तो ले लेते हैं। जैन साहब भी तब तक ब्रेक के दौरान तैयारी कर लेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे एग्जाम हॉल में जाने के पहले आप अपना पढ़ते हैं ना लास्ट में, वैसे जैन साहब अपने सारे फंडामेंटल्स याद कर लेंगे, तब तक हम छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए पोजिशनल पिक के लिए चलते हैं जैन साहब के पास, बताएंगे वो अपना पसंद का स्टॉक लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर बताया है वेस्ट कोस्ट पेपर। जैन साहब बताएं। बिल्कुल, जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर बांगलोर ग्रुप की एक बहुत पुरानी कंपनी थी, वैसे ही अब एक एमए चिदंबरम ग्रुप और एसी मुथिया ग्रुप, मतलब तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रमोटेड कंपनी स्पिक, एज ओल्ड कंपनी, इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स का नाम ले तो इन कंपनियों का नाम आता ही है, और आज तो फर्टिलाइजर का दिन है, ऐसे डेंजरस डे में भी फर्टिलाइजर्स आर डूइंग वेल। हालांकि मैं थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स को लेकर जिंक्स रहता हूं, जब जब फर्टिलाइजर चलते हैं तब तक एक बार करेक्ट करता है, ये मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखा है, बट स्पिक इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि हमेशा से परफॉर्म किया, और इस स्टॉक को मैंने बहुत बार दिया और हर बार टारगेट अचीव हुआ है। एक तो रेट्स भी ऐसे है 68-69, तो जनरली काफी इस पे चाल आती है, बट एनीवेज 6-7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और सबसे बढ़िया बात है कंपनी ने डेट्स को गजब के रिड्यूस किया है, 400-450 करोड़ से 104 करोड़ पे डेट्स आ गए हैं, और कंपनी डिविडेंड नहीं देके डेट्स को जब रिड्यूस कर रही थी तो बहुत बढ़िया कंपनी के ओवरऑल बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ा, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ी, और पिछले 3 साल में 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 44% की है। फिर दिसंबर 2020 के रिजल्ट से कंपेयर करें तो 6 करोड़ का पैट था सिर्फ दिसंबर 2020 में, उसके बाद से पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने गजब का काम किया, 50-50 करोड़ कमा रही है, 60 करोड़ का पैट था दिसंबर 2021 में, और
मतलब जिस तरीके से 207 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है 1396 1400 करोड़ की कंपनी में, सो दैट्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से जो टारगेट है वो करीब 75 का पहला लगाए, दूसरा 80 का लगाए, 64 का स्टॉप लॉस। ओके तो ये है आपके लिए स्पिक जहां पर आपको रखनी है नजर 75 और 80 के टारगेट्स के लिए। आइए 10 की कमाई लेते हैं राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। देखिए दीपांशु हमारी खरीदारी की राय है लंबे से मध्यम अवधि के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में। स्टॉक का नाम है एबट इंडिया जो कि अब डेरिवेटिव्स में भी शामिल हो चुका है। तो एबट इंडिया में इन स्तरों पर खरीदारी की राय है और वजह यह है कि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आ चुका है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने कई हफ्तों में एक बड़ा बेस बनाया, यानी कि करेक्शन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी एबट इंडिया में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। तो ये है आपके लिए स्ट्रक्चर है, बड़ी करेक्शन देखी थी हमने लगभग 23,500 के स्तरों के ऊपर से नीचे में इतनी बड़ी करेक्शन इसमें आते हुए देखने को मिली है और नीचे में एक बेस बन चुका है। स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है बट ब्रेकआउट ऐसे ही लिक्विड काउंटर्स में ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा ब्रेकआउट पे थोड़ा करेक्शन पर। 23,000 रुपए के टारगेट है हमारे एबट इंडिया में, 23,000 के टारगेट के लिए एबट इंडिया में निवेश की राय है। ओके 23,000 के टारगेट के लिए एबट इंडिया है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए राय है खरीदारी करके रखने की। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है और शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। पहले जरा एक बार बताएं हिमांशु जी आज के लिए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी शॉर्ट टर्म में खरीदना है वो स्टॉक जिसमें मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग और वो स्टॉक है रुचि सोया का। टेक्निकल चार्ट अनिल जी बहुत बेहद स्ट्रांग है और हर पैरामीटर्स पर इसमें खरीदारी क्लियर कट देखने को मिल रही है। एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम, कपल हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स के साथ कंफर्मेशन, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर सब में बाइंग क्रॉसओवर। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी मोमेंटम के साथ ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि थोड़ा सा पोजिशनल तौर पर भी एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। करंट लेवल्स है 1215-1210 रुपए के आसपास, यहां पर खरीदारी करें। बेहद शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे 1250-1280 और 1320 तक के, स्टॉप लॉस लगाना है 1175 तक का। लेकिन ओवरऑल अगर थोड़ा इसको समय दिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1400 और 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए चलने के लिए तैयार है। तो ये है आपके लिए रुचि सोया। अनिल जी कल तो सर्किट लग गया था इसलिए मैथमेटिकली टारगेट हिट नहीं हुआ बट आज तो 1200 का टारगेट हो गया और अब तो नए 1500-1600 की भी आप बात कर रहे हैं और आज भी अच्छी खरीदारी। कल 10% सर्किट लगने के बाद ऐसे बाजार में भी 3% ऊपर ही है। बिल्कुल, जब 300 पॉइंट निफ्टी नीचे हो और उस समय बढ़ रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही है, बाइंग रहेगी दीप, क्योंकि मेरे ख्याल से कल कॉन कॉल भी हुई थी, हमारी टीम आपको कॉन कॉल की सारी डिटेल्स भी देंगी। लेकिन जिस तरह का आउटलुक और जिस तरह के फाइनेंशियल्स आ सकते हैं फूड बिजनेस रुचि सोया में आने के बाद पतंजलि का, वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा जिन वैल्यूएशंस पे ट्रांसफर किया है उन्होंने बिजनेस सिर्फ 700 करोड़ पे, वो बहुत बहुत ही आकर्षक है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक वैसे ही है कि जिसको आपको पोर्टफोलियो में रख के छोड़ देना चाहिए, तो आराम से पड़ा रहने दें, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लगता है यहाँ से भी स्टॉक में अपसाइड बनेगी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में तो है ही है। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 1250-1280-1310 ये तीनों ही जो दे रहे हैं आपको हिमांशु जी, आई एम श्योर उसकी तरफ तेजी से बढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए इससे पहले कि आगे बढ़े एक बार जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक जैन साहब की भी ले ली जाए। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। आज इत्तेफाक देखिए मैंने पेपर, फर्टिलाइजर और तीसरा शुगर और ये सारे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे चले हैं और ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और शुगर भी देखिए जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस ऊपर के लेवल्स पे चल रही है, इथेनॉल की स्टोरी इंटैक्ट है और अक्टूबर 2022 का टारगेट भी दिया है इस बजट में सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर, जो कि अभी 11% के लगभग है, पहुंचना 20% तक, तो ये सारे स्टॉक्स गजब का करेंगे। तो मेरे हिसाब से शुगर स्टॉक्स करेक्ट भी कर चुके हैं। ये स्टॉक मैंने पहले जब दिया था तो 35-36 रुपए तक गया हुआ भी और उसके बाद से वापस से 27 रुपए के लेवल्स पे आया, तो ये एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है। और 24 रुपए से ये बाउंस भी किया है तो टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल्स पे और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। और केसीपी ग्रुप जो है साउथ बेस्ड ग्रुप है, उनकी ये कंपनी आंध्र प्रदेश बेस्ड ग्रुप है और 19 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर 62% के लगभग है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 30 का पहला टारगेट, 32 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस 25 रुपए। ओके तो ये आपके लिए केसीपी शुगर, यहाँ पर रखनी है नजर। इस स्पेस में हम वैसे भी अच्छा एक्शन देख रहे हैं, जैन साहब की बात करते करते देखिए स्टॉक पे स्पाइक भी आ रहा है।
28 के लेवल पर ऑलरेडी आ गया, 30 और 32 के टारगेट के लिए भी आपको इसमें रखनी है नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए, बग्गा साहब से भी बात करनी है और दो खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बस 2 मिनट में लौटेंगे।